नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ताजमहल, प्यार या हवस की निशानी। उसके साथ ही हमारा सब्जेक्ट है कि भगवान राम के बेटे लव के नाम पर बसा लाहौर से है। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे सबसे पहले मेहमान है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आरिफ अजिंक्या जी, जिन्होंने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। आरिफ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार टू मिश्रा जी, नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू सर। हमारे हमारे दूसरे मेहमान हैं एके मिश्रा जी, जिनको आप जानते ही हैं, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और टीवी पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने भारत से हमें ज्वाइन किया है। मिश्रा जी, आपका भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार, आरिफ जी को भी और आपको भी। शुक्रिया मिश्रा जी। और हमारे तीसरी मेहमान जो है वो शबनम खान खान मैम है, जो अभी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाली हैं। और शबनम खान जी भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और मीडिया पैनलिस्ट हैं भारत में, और अभी बहुत जल्द हम लोगों को ज्वाइन कर रही हैं। चलिए, जब तक वो ज्वाइन करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। आरिफ साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आप फ्रांस के नागरिक भी हैं और पाकिस्तान के नागरिक भी हैं, और ये जो अभी सारा हंगामा लाहौर में हुआ वो आपने और पूरी दुनिया ने देखा ही है, तो ये इसमें किसका नुकसान है, फ्रांस का नुकसान है या पाकिस्तान का नुकसान है? देखे, नुकसान तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान का ही है, फ्रांस का क्या नुकसान होना है, फ्रांस तो मजे ले रहा है। ठीक है, मसला ये है कि कल की बात है कि कल फ्रेंच एम्बेसडर मिलने गया फॉरेन सेक्रेटरी से, तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि आप यहाँ पे बहुत सेफ हैं, हमारे देश में आप बिल्कुल सेफ हैं, आप फिक्र नहीं करें, ये पार्लियामेंट में हमने जो डिबेट डाली है ये तो आवाम को खुश करने के लिए है और टीएलपी को खुश करने के लिए है, अदरवाइज आपको कोई इस मुल्क से नहीं निकाल सकता। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शिरीन मजारी ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान इज सेफ फॉर एवरी डिप्लोमेट, और पाकिस्तान में हर डिप्लोमेट बिल्कुल सेफ है और किसी को नहीं निकाला जा रहा, हम फ्रेंच सफीर को नहीं निकाल रहे, हमने ये कैबिनेट की मीटिंग में भी वो किया है। अब ये जो लाहौर में हुआ है, लाहौर में इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद, इसी तरह इन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया है टीएलपी, क्योंकि ये जितने जो पहले ग्रुप थे वो सारे थे एक्सट्रीम फिरके के लोग, देवबंदी हुए, वहाबी हुए, अहले हदीस हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो बरेलवियों की है, और बरेलवियों की तरफ से कभी कोई एज सच इतनी मूवमेंट नहीं चलती थी, तो बरेलवी फिरके के लिए ये खादिम हुसैन रिजवी को लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कराया गया था 2018 में, और उसने नवाज शरीफ का तख्ता गोल किया, और अब उसका बेटा आया है और उसको भी इंट्रोड्यूस कराना था क्योंकि बाप के मरने के बाद इसको लेके आए, ये एक ड्रग्स एडिक्ट है साद रिजवी, क्योंकि पीर अफजल जो कि खादिम हुसैन रिजवी के साथ का जो था तहरीक लबैक पाकिस्तान का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको बनाया जाएगा चीफ ऑफ टीएलपी, लेकिन इसको नहीं बनाया गया और खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद को बनाया गया, तो पीर अफजल ने एफआईआर कटवाई साद के खिलाफ कि ये ड्रग्स एडिक्ट है और इसने जितने भी हमारे मदरसे हैं, जमीनें हैं, उनको अपने पर्सनल यूज में लेके आया है, गाड़ियों को और पूरी प्रॉपर्टीज को, तो ये सारा पैसों का खेल होता है मदरसों के अंदर और ये जो ग्रुप्स हैं रिलीजियस ग्रुप्स, लेकिन आर्मी के कहने पे ये हिलते जुलते हैं। आर्मी ऑलरेडी पाकिस्तान में सारे मामलात आर्मी ही चला रही है, एक डिफेक्टो मार्शल लॉ तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब कुछ डिमांड्स थी जो कि और आर्मी को इमरान खान को अंडर प्रेशर लाना था, तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया और लाहौर में आग लग गई। पहली बार हुआ कि पंजाबी मरने लगे, पंजाबी माओं की चीखें, ये पूरा पंजाब हमेशा खामोश रहता था, जब बलोच मरते थे, जब सिंधी मरते थे, जब पख्तून मरते थे, जब मुहाजिर मरते थे, तो ये खामोश रहते थे, लेकिन पहली बार पंजाब में जब माओं की चीखें उठी
और इमरान खान की कश्ती डगमगाने लगी, तो फिर इसको वेस्ट में मौजूद, क्योंकि इमरान खान सेलिब्रिटी है, वेस्ट का ब्लू आइड बॉय है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, इसकी बड़ी अपने दोस्ती है वेस्ट में, वेस्ट के दोस्तों ने इसको मशवरा दिया कि टोटल सरेंडर कर दे भाई। शुरू में तो इमरान खान और शेख रशीद ने बड़ा सख्त हाथ रखा, लेकिन फिर इन्होंने सरेंडर किया। जनरल फैज हमें डीजी आईएसआई से बात हुई इमरान खान की, और उसने मदद मांगी कि सर कुछ करें, तो उसने कहा कि आप भी तो हल्का हाथ रखें ना, हमारे ही लोगों को आप मार रहे हो। तो इस तरह करके उसने भी हरी झंडी दिखा दी, तो इमरान खान ने फिर टोटली सरेंडर कर दिया और उनको लॉलीपॉप दे दी कि हम असेंबली में बिल लाएंगे और ये वो 20 अप्रैल को सेशन होगा, उसमें हम असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराएंगे। 20 अप्रैल को उन्होंने डिफर कर दिया 23 अप्रैल फ्राइडे तक के लिए, और कल फ्राइडे परसों फ्राइडे को इन्होंने असेंबली में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ को इन्होंने बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और एसएमएल ने जब बोलने की कोशिश की, इनके माइक बंद कर दिया, हंगामा हुआ, डिफर कर दिया सेशन को इनडेफिनेट पीरियड के लिए। पीएमसी अपना पावर शिफ्ट को और नीचे लेके आ गई आर्मी और मामला खत्म हो गया। अब कुछ दिनों बाद फिर कोई मसला होगा, फिर टीएलपी को सड़कों पे लेके आएंगे। ये टोटल डर्टी पॉलिटिक्स बाय पाकिस्तान आर्मी है। इसमें रसूल की हुरमत और ये सब नारे हैं, रसूल की हुरमत कहाँ गई? कल कोरिया में 2 पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ अरेस्ट हुआ है शॉपलिफ्टिंग पे, चोरी करते हुए। हाईली एजुकेटेड फॉरेन सर्विस के स्टाफ एम्बेसी में जो होता है, तो ये रसूल की हुरमत इनको खाली यहां नजर आती है, वहां पे आम आदमी का जीना हराम क्या हुआ है, इन्फ्लेशन की भरमारे, तो इनको रसूल की हुरमत, इस्लाम की हुरमत याद नहीं आती। और इस्लाम खाली फ्रांस में खतरे में, जहां पे आराम से फ्रांस में मुसलमान अपनी सारी रिलीजियस रिचुअल्स अदा कर रहा है पीसफुली, मोर पीसफुली देन एनी इस्लामिक कंट्री, वहां पे इनको खतरा नजर नहीं आ रहा। चाइना में, चाइना में जहां पे मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी है, इस रमजान में वहां पे रोजे रखने पे पाबंदी है, कंसंट्रेशन कैंप में 1 मिलियन मुसलमानों को बंद किया हुआ और उनकी बीवियों के साथ चाइनीज फौजी जाके सोते हैं नस्ल चेंज करने के लिए, तो इनको इस्लाम खतरे में नजर नहीं आता। सब टोपी ड्रामा है, सब पाकिस्तान आर्मी 1947 से इस्लाम को मुस्तकिल यूज कर रही है पाकिस्तान में अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए। अरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लियर कट बेबाक बयान दिया इस चीज पे कि एक्चुअल में लाहौर में क्या गेम खेला जा रहा है। शबनम जी आप जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से, आपका भी स्वागत है। आरिफ साहब और मिश्रा जी से आपका तारुफ करवा देती हूँ एक बार। शबनम जी कैमरे का फ्रेम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। उस दिन हम लोग अकेले थे ना, इसलिए जी। जी परफेक्ट जी। शबनम मैम इंट्रोडक्शन तो खैर मैं प्रोग्राम के शुरुआत में आपका दे ही चुकी थी, अभी मैं सीधा अपने सवाल पे आती हूँ, क्योंकि अभी आरिफ साहब से एक सवाल किया जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, वो आपको पता ही है कि ताजमहल प्यार या हवस की निशानी। हम उस पर जब सब्जेक्ट पर जा रहे हैं, उससे पहले एक्चुअली हम रिसेंटली लाहौर में आपने देखा जो सब कुछ भी हुआ, उन सब पे हम लोग एक दो सवाल कर रहे थे। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या आपने भारत में मुस्लिम समुदाय को फ्रांस के खिलाफ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करते अभी हाल ही में देखा, जिस तरह का अभी लाहौर में हुआ, और इवन जब फ्रांस टीचर का गला काटा गया था उस वक्त भारत सरकार का ऑफिशियल बयान भी आया था कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं इस सिचुएशन में, तो क्या भारतीय मुस्लिमों को आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए? नहीं, भारतीय कुछ मुस्लिम तो देखिए, जो कट्टरपरस्त है, जो कट्टरवादी है, वो भारत के हों या कहीं के हों, उनको तो बस ये कहकर भड़काना ही है कि देखिए मुसलमान खतरे में आ गया, सीधा बात कुछ भी हो खतरे में मुसलमान को लाकर दिखाना ही हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि भारत का मुसलमान हो या विदेश का कहीं का भी मुसलमान, जो जो हम गलत करते हैं आप उसको भी सही बताने की तरफ लेके जाते हैं, मतलब मुसलमान की गलती को भी गलती मानते नहीं है आप, और अगर कोई और कुछ कर दे तो उसकी गर्दन तक आप काटने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि पहले हमें अपनी कमियां छाननी पड़ेंगी। भारत का नागरिक तो सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान से रहता है,
मनुदी, मैं आपको बड़े गर्व से बता रही हूं, जितना भारत में मुसलमान इज्जत से और ऐसे सीना चौड़ा करके रहता है ना दी, इतना तो पूरी दुनिया में कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज है ना वहां भी नहीं रह पाता है। मुस्लिम कंट्रीज में भी दुबक के दुम दबा के रहना पड़ता है, लेकिन एक भारत ऐसा देश है हमारा जहां आप और हम शान से और गर्व से रहते हैं। और आप यकीन मानिए, जो हमारे बहुसंख्यक भाई हैं, जो हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, लेकिन काफिर मुस्लिम सीना चौड़ा करके यहां पर अपनी कोई भी बात रख सकता है, प्रधानमंत्री को दिन भर गाली बक सकता है, सारे काम करता है यहां पर। मजाल है, आप किसी और मुस्लिम कंट्री में भी बादशाह के खिलाफ एक जबान से वर्ड भी निकाल दें, लेकिन भारत में सुबह से शाम तक सारे मुल्ला और ये सब लोग जितने भी आप देखती हैं कट्टरवादी, प्रधानमंत्री को गाली, जिसको कोई कोई मतलब, इनको चिंगारी चाहिए कि आग लगाई जाए और कहा जाए कि मुसलमानों तुम यहां पर बहुत परेशान हो, जबकि सबसे ज्यादा सम्मान से मेरे भारत में रहता है मुसलमान। मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में पैदा हुई। मैं डरती हूं कि कहीं उस गंदे पाकिस्तान की तरफ कोई मुसलमान ना पैदा हो। यहां देखिए क्या शान है हमारी। मनुदी मेरी बहन है, और अभी सर कितना अच्छा, मतलब उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, हम तो बच्चे हैं उनके आगे, हम क्या बोलेंगे उनके आगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और पाकिस्तान कंट्री जो मैं देखती हूँ ना दी, मुसलमानों के नाम पे कंट्री तो ले ली, लेकिन आगे बढ़ने की बात नहीं की कि चलिए अलग कंट्री ले लिए तो शायद मुसलमान को कुछ आगे बढ़कर कुछ और ऊंचाइयां छुआएंगे या कुछ और शायद उन वहां से कुछ नया अचीव करेंगे। हाँ, मुसलमान को गर्त में गिराने की तरफ जरूर लेकर गए। ये मुसलमानों की परेशानी है, इसको दूर भी नहीं करना चाहते हैं ये लोग। और अब तो प्राइम मिनिस्टर इतने हाई फाई पढ़े लिखे हैं वहां पर, चलिए पहले वाला तो कोई अनपढ़ छाप टाइप था, लेकिन अब तो बहुत क्रिकेट खेला हुआ अंग्रेज जैसा दिखने वाला, अब तो बहुत ज्यादा ये है, लेकिन गधे बेच रहा है, गाड़ी में पेट्रोल में पैसे नहीं है उसको डालने के लिए। तो ये सारी चीजें ना, मैं कहती हूं पाकिस्तान को तो मुसलमान कंट्री कहने मुझे शर्म आती है, जी क्योंकि इमरान जो इमरान मुसलमान को सम्मान न दे पाए, जो मुसलमान को शिक्षित ना कर पाए, जो मुसलमान को खाना पानी ना दे पाए, जो मुसलमान के नाम पर पूरी कंट्री लेने के बाद गधे घोड़े बेच के अपने कार्यालय का भी पैसा, टेलीफोन का बिल ना जमा करा पाए, तो फिर उसे शर्मिंदा ही होना चाहिए दी। आपने और हम शबनम ठीक भारतीयों को कहा। देखिए, हम भारतीय कैसे सीना चौड़ा करते कि अरे हमारा प्रधानमंत्री देखो खड़ा है हर जगह, शायद कोई से दुनिया भी में हो। इकलौते भारत के प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा गालियां खाई हैं। इनका नाम उस कंसर्न में आएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे जब ज्यादा बड़े काम भी किए हैं, और आप उसकी यकीन पूर्व मानिए गाली कौन खाता है, जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसको कोई क्या कहेगा, कुछ ये कर बात रहे लोग हैं तभी समझते तो नहीं काम कर रहे हैं। शबनम, ये बात लोग समझते नहीं। यही नजरिए का फर्क है। अब जो इमरान खान की आपने बात की कि एकदम वेस्ट का पढ़ा हुआ मॉडर्नाइज प्ले बॉय टाइप शख्स जब एक इस्लामिक कंट्री का प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी रूपरेखा तुरंत चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन हालात ये है कि वो रूपरेखा देश की चेंज रूप वो रेखा सब चेंज चेंज होकर नहीं हुई, रियासत प्राइम मदीना पे आ गए। मिनिस्टर सब चेंज हो गए, रूपरेखा चेंज जी नहीं हुई, प्राइम जी मिनिस्टर उल्टा चेंज हो गए और कट्टरवादी हो गए। यही यही मैंने वो कहा। मैं इमरान खान को देखती हूँ कि जो क्रिकेट खेला हुआ है, पूरी दुनिया घूमा हुआ है, अभी हम उसको देखते थे उसका एक अलग पर्सनैलिटी हुआ करती थी, भारत में भी आते रहते थे वो, उनकी बातचीत का भी कुछ और तरीका हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनकी वाइफ भी आपने देखा होगा कि वो एक महान आत्मा से शादी कर ली है उन्होंने, जिन्होंने उनको पहले ही बता दिया था आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे हम क्योंकि वो बड़ी कुछ आलिम फाजिल है शायद, जी अगर पीर आलिम की भी फाजिल पत्नी, अगर आलिम फाजिल पत्नी से बना करते ना, तो मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं मिश्रा जी, और सर भी बैठे हुए हैं, तो ये सब भी सब प्रधानमंत्री बन चुके होते, इनकी भी पत्नियां बहुत अच्छी है मुझे पता है। नहीं, लेकिन वो पीर भी नहीं है ना शबनम, तो उन्होंने तो बना ही दिया। आरिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं अपना अगला सवाल लेके, कि जो अभी आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में एक तरह से मुहिम चल गई कि हम लोग बस अल्लाह के खतरे में हैं और हम लोग ही उस चीज को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को क्रेडिट दे सकते हैं। इमरान खान साहब के भी
वो तो ट्वीट प्रधानमंत्री भी है एक तरह से, उनके ट्वीट भी आए बैक टू बैक, वो हम सबने ही देखे। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था और टीचर के साथ यह हादसा हुआ, इवन सऊदी अरब ने भी अपने सरकारी न्यूज़पेपर्स में ये डिक्लेयर किया था कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, किसी ने भी इस चीज को ये सपोर्ट नहीं किया था कि ये गलत हुआ है। ठीक है, एक वो कार्टून बनाना वो सब गलत है, हर हर धर्म का हर मजहब का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो गलत हुआ उसके लिए मुस्लिम वर्ल्ड भी खड़ा था। इवन मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत रखने वाला तुर्की में भी आपने कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा होगा। तो मैं जानना चाहती, मुस्लिम देशों का अल्लाह अलग है और पाकिस्तान का अल्लाह अलग है, ये क्या चीज है? लेकिन ये साउथ एशिया का जो मुस्लिम है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का, ये जरा स्पेशल किस्म का मुस्लिम है, कन्वर्टेड मुस्लिम है, और ये इस्लाम का बर्थ प्लेस है सऊदी अरब। वहां पे बेसिक स्कूल सिलेबस में रामायण डाली गई, वहां पे राम के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है। लेकिन हम शर्मिंदा हैं अपने माजी से, अपने वापस से, हम अपने पुरखों पे शर्मिंदा हैं, डूब के मर जाना चाहिए। मैं पाकिस्तान के मुसलमान किस किस्म के हैं, इससे पहले अभी शबनम जी को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की। वाकई मैं भी जब देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ इस्लामिक देशों से भारत को, तो भारत में जितना मुसलमान खुश है, जितना मुसलमान आजाद है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 5 वक्त आप 84% पॉपुलेशन को लाउड स्पीकर पे 5 टाइम रोजाना सुनाते हैं कि खाली अल्लाह एक है और वही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन सऊदी अरब में लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दी जाती, भारत में जहां मर्जी आती है मेन रोड रोक के नमाजें पढ़ी जाती हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ पे जुर्माने होते हैं, अबू धाबी में, दुबई में आप सड़क पे नमाज पढ़े आपके ऊपर जुर्माना हो जाता है। ये आजादी, मादर पितर आजादी जो है वो भारत में है। और अगेन मैं पाकिस्तान पे जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा कि भारत में आजकल नरसिंह आनंद जी के खिलाफ फतवे आजकल जो इशू किए गए हैं ना, मैं उस पे कहना चाह रहा हूँ कुछ बातें। मैं ये भारत के मुसलमानों को पूछना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू कम्युनिटी जख्म खोरदा कम्युनिटी है, इन्होंने बड़े जख्म उठाए हैं मुसलमानों के हाथों 1000 साल से, और आज अगर एक हिंदू खड़ा होकर अपने हक के लिए 4 बातें कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है? अगर आपने मुजाहरा करना है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, अगर आपने फतवा देना है किसी की गर्दन मारने का, तो चाइना के प्रधानमंत्री का और प्रेसिडेंट का फतवा दें। चाइना में 1 मिलियन मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे, तब आपको दर्द नहीं हो रहा? तब आपके रसूल की हुरमत पे आंच नहीं आ रही? जहां कुरान नया लिखा जा रहा है, जहां मोहम्मद नाम पे पाबंदी रखी गई है, वहां पे आप इतना एहतजाज नहीं कर रहे? लेकिन एक हिंदू, एक पीसफुल हिंदू जो कि किसी किस्म के वायोलेंस की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि अपना तरीका बदलो, बहुत हो गया हमारी लड़कियों को उठाना, बहुत हो गया भाई, 1000 साल से हम जख्म खा रहे हैं तुम लोगों के आते हैं, आज तो हिंदुस्तानी बन जाओ। तो मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को बींग ए मुस्लिम और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते ये मैसेज दे रहा हूं कि भाई नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म शुड बी प्रायोरिटी। और अगर आपको इतना ही मजहब का दर्द है तो जरा चाइना के मुसलमान एम्बेसी का घेराव करें ना, दिल्ली में जाके चाइनीज एम्बेसी के सामने खड़े हो जाएं, हम सारी मस्जिदों से निकलेंगे, हम नरसिंह आनंद को ये करेंगे वो करेंगे। अरे हिम्मत है तो जाओ ना चाइनीज एम्बेसी का घेराव करो, चाइना के ऊपर सारा अटैक करो। तो ये मेरा मैसेज है इंडियन मुसलमानों के लिए। आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान अंग्रेजों का बनाया हुआ एक शैतान देश है। शबनम जी की मेहरबानी है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश नहीं लगता। मैं कहता हूं इंसानों का देश नहीं लगता, वहां तो इंसान नहीं नजर आता आपको, वहां पे जानवर बन गए मदरसों में पढ़ पढ़ के। जिस किस्म की कौम वहां पे डेवलप की गई है वो तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, और वो पर्पस था भारत को काउंटर करने का, कि भारत कहीं सुपर पावर ना बन जाए। वो भारत जो सदियों से दुनिया पे राज करता रहा है, जिसकी कल्चर, जिसकी हेरिटेज, जिसकी साइंटिफिक रिसर्च, जिसका एजुकेशन,
और जिसका टॉलरेंस सबसे बड़ा है, बात है टॉलरेंस के। इस्लाम की पहली मस्जिद भारत में बनी है, सऊदी अरब में नहीं बनी है। इतना टॉलरेंट सोसाइटी, इन्होंने कहा ये तो दुनिया पे छा जाएंगे। तो पाकिस्तान बनाया गया है, आर्मी के हवाले किया गया, आर्मी ने इस्लाम को वहां पे शुरू से यूज किया है। पाकिस्तान का इस्लाम नथिंग बट ए ढकोसला है, नथिंग एल्स बट ढकोसला। पाकिस्तान में इस्लाम नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो पाठ पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाए जाते हैं वो दुनिया का कोई धर्म नहीं सिखाता भाई, कोई धर्म नहीं सिखाता। ये असल इस्लाम जहां पे पैदा हुआ है सऊदी अरब में, वो जब रामायण के पाठ पढ़ा रहे हैं, वो सऊदी अरब ने इस्लाम पैदा किया था, वो रामायण के पाठ पढ़ा रहे हैं, वो भगवान श्री राम से अर्ज दे रहे हैं, फिर आप अपने आप को सोचो। लेकिन ये पाकिस्तान एक यूनिक काइंड ऑफ कंट्री क्रिएटेड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। इसलिए हमें देखना होगा कि भारत ही पैदा हुआ ये पाकिस्तान है, भारत ही इसको इंसान बना सकता है। आदम पाकिस्तान को भारत ने तकरीबन इंसान बना दिया 71 में। अब ये पाकिस्तान को कब, इसका आसान हल ये है कि इसको पूरे कर दिए जाए, बलोचों को आजाद करो, एक आजाद देश, हिंदू देश एक आजाद देश बना दो, केपीके को दे दें अफगानिस्तान, और पंजाब जो है पाकिस्तान का, इसमें सिख गुरुद्वारे जो 1800 बर्बाद किए गए हैं उनको रिस्टोर कराया जाए, और वहां पे सिखिज्म को वापस डोमिनेंट ग्रुप बनाया जाए। ये पंजाबी तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है पाकिस्तान के पंजाबी। बिल्कुल, आपने आरिफ साहब बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है कि मुस्लिम कौम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, और दुनिया भर में उनको लगता है कि ये एक इमेज बिल्ड का काम कर रहा है, बट हकीकत यह है कि ये इमेज बिल्ड नहीं हो रही है, एक नेगेटिव नैरेटिव जा रहा है। और यही वजह है कि अलग मुल्कों में आप देख रहे होंगे, यूरोप में या अमेरिका या कैनेडा साइड में मुस्लिम्स को शक की नजर से देखा जाता है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि कहीं पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से जो अमन पसंद लोग हैं उनका इमेज खराब हो जाता है। मिश्रा जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि आज का सब्जेक्ट कनेक्ट उसके होना था। हमारा जो आज का विषय है, मैं आप पर आती हूँ, ताजमहल प्यार या हवस की निशानी, इस पर आप सबसे पहले थोड़ा रोशनी डालिए कि हकीकत में ये सारा इंसिडेंट क्या है, सच्चाई क्या है, और वो बात जो सामने नहीं आई है। देखिए, एक एड आता था यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, उसमें बोला जाता है वाह ताज। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, अरे हुजूर वाह ताज मत कहिए, और ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग वाह ताज कहना भूल जाएंगे। देखिए रीजन क्या है, कुछ कल्चर पर्टिकुलरली या इस्लाम, इन सब की हिस्ट्री देखें आप इंडिया में, बहुत सारी चीजें इतने बेतरतीब तरीके से मास्क की गई है, इतने खूबसूरत तरीके से मास्क की गई है, और उसके बाद जो गली मोहल्ले के शेरो शायरी करने वाले होते हैं तथाकथित शायर, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के जो जिनके अंदर कोई एक्टिंग वगैरह कला, रियल कला तो होती नहीं है, वो आ करके उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, ये चीज बोला कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ताजमहल ये भी एक षड्यंत्र था। मैं दो चार चीजें बोलूंगा, शाहजहां के कोर्ट में जो लोग थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा, किसी और इतिहासकार ने क्या लिखा, ये सब छोड़ दीजिए, सिंपल लॉजिक के दम पे अगर आप ये समझिए तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है। बल्कि इनफैक्ट अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो उसके एक एक ईंट में हवस भरी हुई है, ये हवस की निशानी है, और ये सारी चीजें मैं आज प्रूफ करूंगा, आपको लगेगा। देखिए सबसे पहले चीज, मोहब्बत की डिफिनेशन क्या होती है ये शुरू में डिफाइन कर लेना चाहिए, और हम ये मान के चलेंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया है, इस पे हम कोई और आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि किसी और ने बनवाया, हम ये मान लेते हैं। देखिए किसी भी कल्चर में आप जाइए, किसी भी धर्म में जाइए, मोहब्बत की डिफिनेशन ये होती है जो नेचुरल अट्रैक्शन हो, जिसमें रुपए पैसे तलवार यानी जोर जबरदस्ती ना हो। आप कोई भी रिलीजन उठा लीजिए, कोई भी आदमी डिफिनेशन यही बोलेगा, या किसी की भी मोहब्बत दुनिया में जिसकी फेमस हुई है, जो दो प्यार करने वाले रहे हैं, वहां पे त्याग और मतलब कोई मानवीय ऐसी चीजें नहीं रही है, स्वार्थ नहीं रहा है। ये ताजमहल की पूरी कहानी ही स्वार्थ से भरी है। अब देखिए इसके बेस की हम एनालिसिस कर लेते हैं, यानी इस मोहब्बत का बेस कहाँ पे पड़ा। जो शाहजहां की वाइफ थी जिसकी याद में इसने बनवाया, उसके पिताजी जो थे वो दरबार में एक दरबारी थे,
उस वक्त ऐसे षड्यंत्र बहुत चलते थे कि कैसे भी करके जो वहां का राजकुमार है, यानी कि उस वक्त शाहजहां तो जो है राजकुमारी था, उससे शादी हो जाए। ये चीजें विलफुली उसके फादर ने ऐसी प्रमोट की, ऐसे माहौल बनाया गया कि वहां पे शादी हुई। एक दूसरी चीज और है कि शाहजहां ने उससे शादी करने के लिए, उसकी पहले ही शादी हो गई थी, उसके हस्बैंड को पहले बोला कि तलाक दो, नहीं माना तो तलवार के दम पे उसकी गर्दन कटवाई, यानी उसका मर्डर करवाया, फिर उससे शादी की। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, आपको कहीं इन सारी एक्टिविटी में मोहब्बत दिखती है? बेस यानी ताजमहल का जो बेस बना, यानी मोहब्बत की जो बुनियाद रखी गई है, उसमें कहीं आपको मोहब्बत दिख रही है? खून खराबा और धोखेबाजी और लालच, ग्रीड जो है कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक दरबारी से बढ़ करके एक किंग के हैसियत से पहुंच जाएं, तो ये मैं बेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब कुछ और चीजें लीजिए, किस तरीके की मोहब्बत? पहले भी शाहजहां ने शादी की थी, मुमताज महल के बाद भी एक शादी की, और जब वो मर गई बच्चा पैदा करते करते, तो उसके बाद भी शायद उसने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। अब कुछ फैक्ट आप और ये देखिए, अगर वो अपनी बीबी को इतना ही प्यार करता था, तो ये मुगल बादशाह जो एक घुंघरी की घुंघरू के एक थाप पे, एक ठुमके पे इतने खुश हो जाते थे कि तवायफों को जागीरें दे देते थे, और उसने अपनी बीबी के लिए ऐसा कहीं स्पेशल जिक्र नहीं मिलता है, सिर्फ ये जिक्र मिलता है कि जी वो उसकी सबसे पसंदीदा थी और महल में उसका विशेष स्थान था। कहीं ऐसा कोई पद दिया हो, कोई अलग से जागीर दी हो, दो चार किले बनवा दिए हो, अरे जीते जी तुम्हारे पास पैसे की कमी तो थी नहीं, जीते जी उसने एक ईंट भी नहीं रखवाई कहीं पे अपनी बीबी के लिए, जिससे वो इतना प्यार करता था। अब एक चीज आप और ये देखिए, अगर कोई अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नहीं बल्कि मैं उसको ये मानता हूं कि उसकी जिंदगी एक सेक्स स्लेव की तरह थी, इससे ज्यादा हैसियत कुछ नहीं थी, हमें प्रेजेंट कुछ और किया जाए, उसको जबरदस्ती उससे शादी की, वो तब भी एग्री नहीं कर रही थी, अब पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उसको ये लगा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने वो रास्ता अपना लिया। कौन आदमी लगातार 14 14 बच्चे पैदा करेगा? और भी बहुत सारे मुगलों में बादशाह हुए हैं, हिंदुओं में हुए हैं, सब में हुए हैं, ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। तो ये मोहब्बत का रिकॉर्ड बनाने का जो था, सबसे हैरान करने वाला लॉजिक ये है कि जब इसके वाइफ की मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में, तो ये इसको अपनी वाइफ को साथ लेके गया था, डेक्कन पे वो अटैक कर रहा था, युद्ध हो रहा था, और साथ ले गया था, तो बच्चा पैदा करते वक्त जो है जब डिलीवरी हो रही थी तो मर गई। इसका मतलब है कि वो 8वें महीने या 9वें महीने की प्रेगनेंसी थी। वैद्य भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, कौन सा ये बुद्धिमानी का काम था कि तलवार लेके उसको लड़ने के लिए तुम अपने साथ लेके गए थे? क्यों युद्ध क्षेत्र में कोई 8 महीने 9 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को कोई कितनी भी मोहब्बत करे, उसको युद्ध क्षेत्र में लेके जाएगा? वो तो उसको महल में रखेगा, घर में रखेगा, जहां मेडिकल फैसिलिटी हो। फैक्ट ये भी है कि हकीमों ने ये चीजों के लिए मना किया था, हकीमों ने ये बोला कि जिल्ले लाही अब इतने बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए, शरीर जवाब दे जाएगा, खतरा है जो है महारानी की जान को। और जब वो लेके जा रहा था तब भी मना किया था कि भाई प्रेग्नेंट वाइफ है, आप उसको युद्ध क्षेत्र में लेके मत जाइए, घोड़ों से जाएंगे, पालकी से जाएंगे, आराम करने की सलाह सभी देती है। तो ये कैसी मोहब्बत है? देखिए यहाँ पे कहीं मोहब्बत आपको नहीं दिख रही है, यहाँ पे केवल हवस दिख रही है, जोर जबरदस्ती दिख रही है। तो जिसकी बुनियादी हवस पे, जोर जबरदस्ती पे है, केवल इंडिया में एक शायर ऐसा हुआ है, साहिर लुधियानवी, मैं सर्च कर रहा था, उसने बोला कि ताजमहल जनता के आंसुओं पे बना हुआ, आंसुओं की निशानी है, न किसी मोहब्बत की। अब दो तीन चीजें और देखिए, ताजमहल बनने के बाद उसके बेटे ने, औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों डाल दिया था कैद में, इसके ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। भाई जिसने इतनी बड़ी सल्तनत दी, सब कुछ दिया, उसको क्यों? इसके पीछे एक बड़ा खास रीजन था। मोहब्बत की निशानी बनवाने में अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शाहजहां का यानी मुगल वंश की बर्बादी शुरू हो गई, सारा खजाना खर्च हो गया। 20 साल तक 22,000 मजदूर, 1,000 हाथी लगातार काम करते रहे, और वहीं से मुगल खानदान की बर्बादी शुरू हुई। और वही एक ताजमहल अगर नहीं बना होता, सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, राजकाज चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और जितने पैसे नहीं बचे, और जब सैनिकों के लिए पैसे नहीं बचे तो सेनाएं कमजोर होने लगी। औरंगजेब ने इसीलिए उसको कैद में डाल दिया कि इसने सारी कमाई, मुगलिया वंश की 4 5 पीढ़ी की जो कमाई थी, वो फालतू के, जब जीते जी मतलब वो थी उसकी वाइफ, तब तो एक ईंट नहीं रखी, और मरने के बाद ये ढकोसला कर रहा था। अब ये क्यों कर रहा था वो भी सोचिए।
मरने के बाद ऐसा कुछ है कि उसको गिल्ट फील होने लगा, फिर यहाँ पे मास्क करने के लिए कुछ मौलवियों हो किसी ने उसको सलाह दिया कि भाई आप ऐसा कर दीजिए तो आपका दुनिया में नाम होगा, वो सारे आपने जो पाप कर्म किए हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा, और फैक्ट है उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मुगल जो जिल्ले लाही है उनकी वाइफ डिलीवरी के टाइम पे मर जाए, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? जो इतने बड़े भूभाग पे राज करते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी ना मिले? तो ये सारी चीजें हवस की है। भारत गुलाम हुआ तो इस ताजमहल के कारण, अगर वो पैसे खर्च, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं, कई जगह लिखा हुआ है, शाहजहां को कैद में इसीलिए डाला गया कि ऐयाशियों पर, शाहजहां बेसिकली बड़ा अय्याश था, शाहजहां के टाइम पे दिल्ली में लाल किले के अगल बगल नाचने गाने वालों की जो है कतारें लगी रहती थी, लोग घूमते रहते थे चांदनी चौक वगैरह में, और जिस थोड़ा सा भी अगर किसी के अंदर हुनर है ना, तो पता चला किसी एक तबले के थाप पे खुश होकर के, किसी घुंघरू के एक झनकार पे खुश होकर के वो जागीरें दे देता था, और जिस वाइफ से वो इतनी मोहब्बत करता था उसको उसने कुछ नहीं दिया। जरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे आइए, पैसे इतने थे नहीं, देखिए कैसे खून चूसा गया जनता का, अगल बगल के जो 3,000 गांव थे वहां से खून चूस लिया गया, पैसे कहाँ से आए? इतना टैक्स लगाया गया, बोला ये भी जाता है कि बनाने के बाद हाथ काट लिए गए कारीगरों के ताकि वो दूसरा ना बना पाए, इतनी तनख्वाहें वहां पे दी गई, जो उनके चीफ आर्किटेक्टर थे, आर्किटेक्ट था, उसको 1,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी, और बाकी के लोगों को जो इंपॉर्टेंट लोग थे 500 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी। जो अपनी हवस, अपने मतलब एक जो खोपड़ी में जुनून बैठ गया उसको पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उस वक्त बहुत ज्यादा थे। कहा यह भी जाता है कि 20 साल तक शाहजहां ने राजकाज का काम ही नहीं किया, वो दिन भर केवल ताजमहल के काम में लगा रहता था, न राजकाज करना, न एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कुछ नहीं देखना। इसीलिए तो उसके बेटों में, दारा शिकोह वगैरह में जंग हुई, और जंग होने के बाद जब ये औरंगजेब जीतता चला गया तो वो खजाने की खोज में गया, तो खजाना तो उसको मिला नहीं, वहां पे खजाने वगैरह सारे खाली थे। इसीलिए औरंगजेब नाचने गाने वालों से, वो ज्यादा इस्लामिस्ट इसलिए हो गया था, वो ज्यादा कट्टर इसलिए हो गया था क्योंकि उसने देखा उसकी बाप उसके बाप ने उसके दादा परदादाओं की पूरी कमाई जो थी वो उड़ा दी, केवल फालतू के मोहब्बतबाजी में, इश्कबाजी में उड़ा दी। औरंगजेब इस चीज के कारण बड़ा नाराज था और उसने उठा के डाल दिया उसको कैद में। भारतीय इकोनॉमी पे देखिए, कोई भी मोहब्बत की निशानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देश को बर्बाद कर दे। मैं मतलब यूनाइटेड इंडिया की बात करता हूं, जब भारत पाकिस्तान वगैरह सब था, अंग्रेजों का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ कि इसने इतने पैसे वहां पे लगाए, इतने पैसे वहां पे लगाए, सारा खजाना खाली कर दिया, आर्म्स एंड एम्युनेशन के लिए, मिलिट्री वालों के तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको रसद देने के लिए पैसे रह ही नहीं गए, बाकी सारे डिपार्टमेंट कमजोर होते चले गए। और औरंगजेब के बाद एक पीढ़ी और रही, वो सारी की सारी चीजें खत्म होती चली गई, अंग्रेजों ने बहुत आसानी से दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, जो है वहां पे पूरी तकदीर ही बदल दी। केवल एक ऐसी इमारत बनाने में जिससे पूरा मुल्क गुलाम हो गया हो, पूरी उस वक्त 30-40 करोड़ की जनसंख्या रही होगी या 20-25 करोड़ की, उनकी पूरी किस्मत ही आप समझिए इतनी खराब हो गई कि किस्मत फूट गई, तो किस नजरिए से आप इसको बोलते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कुछ एक विशेष धर्म के लोगों का कि भाई इसको मोहब्बत की जो है निशानी, दुनिया में तो ऐसी मोहब्बत की निशानी ही नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री से लेके इसकी जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों है ये, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो चीज भी आप देखेंगे। तो इसके यहाँ एक गोल्ड स्मिथ था, इसका एक दरबारी था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, ताकि कोई कुछ बोले नहीं कि भाई उसकी वाइफ मरी, जो सबसे पसंदीदा वाइफ थी उसकी छोटी बहन से शादी कर लिया, तो कोई है तौबा ना बचाए, तो एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि ताजमहल का कॉन्सेप्ट ये था कि उसकी बेगम जन्नत में जाके जिस महल में रहेगी वो महल ऐसा दिखता है, वो महल ऐसा है, उसको मैंने वही एक दिन आपको भी बोला था कि इनके ख्याल हमेशा जन्नती होते हैं, हर चीज को जन्नत से जोड़ दो इनके सारे पाप सारे गुनाह छुप जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन हुआ था, जहां से शुरू हुई थी, वही इतना गंदा था, शोषण से भरा हुआ था, तलवार के दम पे था, कहीं से मोहब्बत नहीं आती है। देखिए मोहब्बत अगर है, भारत का नाम जो पड़ा महाराजा भरत के नाम पे, उनके माता पिता के बीच भी प्रेम हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, आप वो कहानी पढ़ लीजिए। आप छोड़िए, मैं इन्हीं के कल्चर, हीर रांझा वगैरह का अमीरी गरीबी का कोई हिसाब नहीं था, वहां रुपया पैसा पावर का कोई गेम नहीं था, तो ये तो पूरा यहाँ पे जो था ना, वो आप देखिए रुपए पैसे पावर पॉलिटिक्स
और वन साइडेड की हम तो राजा है जी, तो हम प्रेशराइज करके उसको एक दासी की तरह रखा है। भाई इतनी छोटी उम्र में 14 बच्चे जो लगातार पैदा कर दे, तो वाइफ का दर्जा है कि सेक्स स्लेव का दर्जा है, आप मुझे ये बताइए। क्या इसके पहले जो इसके दादा परदादा थे, जिनको एक दो लड़के हुए थे, तो क्या वो अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं करते थे क्या? या उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कोई लोग नहीं हुए थे इंडिया में? अब सारे राजाओं को मिला करके सारे थे, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ वो कोई एक असली मोहब्बत असली प्रेम नहीं था। मुझे ये लगता है कि एक्चुअल अगर कंडीशन देखी जाए, जो आदमी अपनी वाइफ को 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी में भी जबरदस्ती वार फील्ड में लेकर के जाए रेदर देन महल में रखे, तो आप उसको मोहब्बत बोलेंगे? आप तो बोलेंगे कि दुनिया की सबसे जिल्लत भरी कैद, ये महल में भी रहती थी तो एक कैदी की तरह रहती थी, हमेशा उसके ऊपर निगाह रखे जाते थे, ये इतिहासकारों ने बताया नहीं, छुपा लिया। बड़ी मजबूर होकर के उसने ये शादी की थी, हमेशा उसके ऊपर निगाह रहता था। अब कोई उसकी आत्मा से पूछे तो उसको पता चलेगा कि किस हिसाब से थी। ये हिस्ट्री वगैरह लिख दी गई कि जी उसको तो ये किया वो किया ऐसे किया, एक ईंट इसने नहीं दिया, एक जागीर की कहीं जिक्र नहीं है। इतनी बड़ी जागीर इसकी शाहजहां की थी, चाहता तो एक दो टुकड़े तो दे ही देता, कहीं ना कहीं कहीं की रानी या स्पेशल वो दे देता, बस सब हवा हवाई है जी। वो दिल के बड़े करीब रहती थी। अब दिल दिल में बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई है? एक और मैं बोलूंगा, टीवी डिबेट में यहाँ के जो मौलाना वगैरह आते हैं ना, उनसे पूछते हैं जब औरंगजेब की बात होती है, देखिए ये मास्क कैसे करते हैं, कि बोलते हैं कि औरंगजेब कौन था? अरे जी वो हमारा वली था, वली। इन इन बेवकूफों को ये बताओ कि भारत की भूमि पे एक ही वली पैदा हुए हैं, वो है बजरंग बली, दूसरा कोई बली पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। जो दूसरे हैं वो सब चोर डाकू लुटेरे हैं, उनको मास्क करने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि पे एक ही बलि पैदा हुए हैं, बजरंग बलि, दूसरा कोई बलि ओली नहीं है। ये जितने हैं ये सब चोर लुटेरे देह सुख भोगने वाले अपने, ठीक है, अब वो किसकी मेहरबानी रही, उनको मिल गई जो है जागीरें, मिल गई रियासत, मिल गई राजा बन गए, बादशाह बन गए। पूरी हिस्ट्री शहंशाह की उठा के देख लीजिए, आगरा में, आगरा और ये आपका जो है यहाँ पे लाल किला, पूरा ये नाच गाने की मंडी बना के रखा था इसने। औरंगजेब ने आते ही सबसे पहले नाच गाने वालों को भगाया, नाराज होके नाच गाने वालों को खाने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने एक वो निकाला, मतलब जनाजा निकाला, और उस जनाजे को जब देख करके उसने पूछा, औरंगजेब ने पूछा किसका जनाजा है, उनको बुलाया, तो बोलते हैं जी ये नाचने गाने जो कला होती है, कला की जो है जनाजा है। तो औरंगजेब ने क्या जवाब दिया पता है? बोला कि मेरे बाप के टाइम में ये होता होगा, अभी तुम ये करो कि इस जनाजे को लेके जाओ और इतनी गहरी कब्र खोदो, इतनी मिट्टी डालो कि इसकी आत्मा दोबारा कहीं और फिर से जिंदा ना हो जाए। तो पूरी अय्याशी का ये है, बाप दादाओं के पैसे मिले थे, वो अय्याशी के चक्कर में उसने ये चीज लुटाया, उसका पर्पस कुछ और था बनवाने का, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपना इंडिविजुअल नाम हो जाए। इतिहासकारों ने भी वही किया, फिल्मी जो गाने बनाते हैं उन्होंने भी। अब लगातार आपको मोहब्बत की निशानी करके लोग बता रहे हैं। अरे रामचंद्र जी ने भी राम सेतु बनाया था, वो तो आप खैर चलिए छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ मांझी साहब जो थे हमारे झारखंड के, मांझी द माउंटेन मैन, उनके वाइफ की भी मौत हो गई, हॉस्पिटल नहीं ले जाके, तो उन्होंने मोहब्बत, देखिए प्रेम क्या होता है, उन्होंने क्या किया, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले कुदाल लेके उन्होंने वो पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया कि ताकि दूसरे लोग, दूसरे मरीजों की फिर कभी यहाँ पे मौत ना हो, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। इन्होंने क्या किया? तो ये केवल गुनाहों को छुपाने के लिए एक वो था, वो अपना एक हिस्टोरिकल ग्लैमर एस्टेब्लिश करने के लिए। किसी एक एंगल से अगर आपको मोहब्बत की निशानी दिखती है, तो मैं ग्लोबली चैलेंज करता हूं, आप आकर के विद फैक्ट एंड लॉजिक, डेट और सारी चीजें मेरे पास रखी हुई हैं, ताजमहल के कारण ही इंडिया अंग्रेजों का जो है गुलाम हो गया, ताजमहल ही एक ऐसी चीज है जिसको बनवाने के कारण मुस्लिम जो कभी बादशाह हुआ करते थे वो भिखारी बन गए। शाहजहां के वंशज कोई रिक्शा चला रहा है बनारस में, कोई बंगाल में कलकत्ता में चाय बेच रही है, तो किसी को 10 रुपए वजीफा मिल रहा है। देखिए शिकायत, मैं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं मुस्लिमों को बोलता हूँ अरे तुम शिकायत करो, जो जो तुम ये रोते हो कि हम कभी बादशाह थे और आज 10 रुपए के वजीफे पे जी रहे हो और रिक्शा चला रहे हो, तो ये तुम अपने परदादाओं की करतूत के कारण हो, उसमें किसी काफिर का हाथ नहीं है, दुनिया का हाथ नहीं है। तुम्हारे परदादाओं ने एक बेवकूफ आदमी, आज की डेट में 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, पूरा खजाना जिसने लुटा दिया केवल ताजमहल पे, तो ऐसी ऐयाशी
का राजवंश कभी चलता नहीं है। बाकी और मिश्रा कोई जी, अगर स्पेसिफिक हो तो पूछिए। जी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को कि अय्याशियां उस दौर में बड़े अपने पीक पर थी और उन्हीं का नजरिया हम लोगों के सामने दिख रहा है। रही दूसरी बात कि आज उनके वंशजों को वजीफा मिल रहा है, ये 21वीं सदी है मिश्रा जी, आज लोकतंत्र का जमाना है, आज राजे महाराजे चले गए, उनके परिवारों को अपनी मेहनत करके वो सरकारों की क्यों जिम्मेदारी बने पलेंगे। शबनम, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी जी, प्लीज। मनु दी, मैं ये बोल रही थी कि ये जितने बादशाह हुए ना, ये सब सनकी मेंटल और अय्याश हुए। इनका इनका औरतों के प्रति प्रेम तो दूर दूर तक कहीं भी किसी भी औरत से नहीं रहा। क्या कोई व्यक्ति इनके क्या थे वो हरम किस लिए बना रखे थे इन्होंने? इनको जहां भी कोई भी लड़की पसंद आती थी उठा लेते थे और रख लेते थे। इनको 900 साल राज करने के बाद भी आज एक बादशाह का कोई नाम लेवा भी नहीं है। आप सोच कर देखिए क्यों नहीं है? जैसा कोई करता है आगे भविष्य में उसके साथ वैसा ही होता है। एक इनका नाम लेवा नहीं है। अभी मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई ने आपको बताया, ऐसे ही कोई चाय बेच रहा है, कोई वो भी ऑथेंटिक नहीं है कि हाँ ये उन्हीं के खानदान के हैं, क्योंकि किसी जो इनके यहाँ नौकरानी थी ये उन्हें भी नहीं छोड़ते थे। ये किसी रास्ते से जा रहे हो, वहां कोई हिंदू बहन या मुस्लिम लड़की कोई भी दिख जाए उसे पकड़ लाया करते थे। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। इन्होंने सारी जिंदगी ये जितना जो खजाना मिला, बादशाहत मिली, ये जनता के लिए काम नहीं किए इन्होंने। इन्होंने सिर्फ महिलाओं के शोषण पर ही सबसे ज्यादा काम किया। आप सारा इतिहास उठा लीजिए, आप एक भी बादशाह के बारे में, और आरिफ सर बैठे हुए वो और ज्यादा हमसे ज्यादा काबिल है, वो और अच्छा इस पर रोशनी डालेंगे। आप देखिए, कोई एक भी बादशाह को देखिए आप, बस औरत को पकड़ना, अपने पास रखना, फिर ये वाली, फिर अगली वाली, फिर अगली वाली, और प्यार के तो इनका किसी डिक्शनरी में वर्ड भी नहीं रहा है, किसी भी बादशाह की डिक्शनरी में। ये किसी से प्रेम व्रेम नहीं करते थे। इनको बस जो अच्छी लग जाए उसको पकड़ के लाना है और अपने पास रख लेना है। तो अभी आप और हम ताजमहल की बात कर रहे हैं कि बड़ा प्रेम की निशानी ताजमहल, और फलाने की निशानी ताजमहल। ताजमहल भी एक सनकी पागल राजा बादशाह की ये उसका सनकीपन था। उसको खुद अपने लिए बनवाया उसने, कोई बेगम मुमताज के लिए नहीं बनवाया उन्होंने। ये आप पर हमें ये आपके हमारे किसी के द्वारा गढ़ी हुई स्टोरी है। जैसे अभी भाई ने कहा कि मुलम्मा चढ़ाते हैं किसी अपनी गलतियों पर, मुलम्मा चढ़ाते हैं, तो उसको मुलम्मे को चढ़ाया इन्होंने और कहा कि अब क्या। वो जो आप ताजमहल देखती है ना, वो इस सनकी के दिमाग की सनक थी कि नहीं मुझे ये बनाना है। और ये मेंटली मेंटली सिक, मेंटली डिस्टर्ब हुआ करते थे। इन्हें जो सनक चढ़ जाती थी ना, पैसे के इतने ज्यादा ये वो थे घमंडी कि बस मेरे को ये करना है तो ये करना है, मुझे वो लड़की चाहिए तो फिर वो लड़की चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े इन्हें, साम दाम दंड भेद अपनाते थे। तो ये प्यार व्यार इनके डिक्शनरी में नहीं था। हाँ, उसको बनाने के बाद मुलम्मा चढ़ाने के लिए तब भी इन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल ही करा। और ये 14 बच्चे, अरे आज तक तो सुधरे नहीं है ये 14 बच्चों से ऊपर कि एक या दो बच्चे की तरफ जाएं। अभी भी ये अल्लाह की देन बता बता के सबको उल्लू बनाते हैं। क्या रे, ये तो अल्लाह पाक की देन है। अरे ये तो अल्लाह पाक दे रहा है। अरे कर तो आप रहे हो, बच्चा तो पैदा आप कर रहे हो, अल्लाह पाक ने तो कहा है, मैंने अकल भी दी है आपको, आपको हमको सबको अल्लाह पाक ने अकल दे के इंसान बना के भेजा है। और सारी मनुदी सारे रास्ते भी दिखाए, अच्छा रास्ता भी दिखाया है, बुरा रास्ता भी दिखाया है। आप अगर मुझे बताएं मनुदी कि शबनम इधर से मत निकलना बेटा, इधर से कीचड़ है या गड्ढा है और मैं उसी पे जाऊं, तो मैं गड्ढे में गिरूंगी कि नहीं गिरूंगी? तो अल्लाह पाक ने तो हमें रास्ते दिखाए। इन्होंने हमेशा, मुसलमानों की हिस्ट्री ऐसी चली आ रही है, आप और हम आज के मुसलमान को दोष देते रहते हैं ना दी कि ये नहीं, ये पीछे पीछे से इनका प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ बढ़िया बढ़िया गप गप। और जब आप इनकी तरफ, आज पहली बार हिंदू भाई इनको फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं कि तुम ये करो, वो अपने लिए कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर कोई हिंदू भाई उठकर अपने राम मंदिर के लिए खुश होना चाहता है, क्या हुआ हमारे देश में अगर कोई हिंदू भाई अपने लिए कुछ कहना चाहता है?
ये आज भी उसे अपने ऊपर झूठा मूठा कहकर कि देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं ये, देखिए ये तो हिंदू हिंदू की सरकार आ गई है। अरे सरकार तो सबकी होती है, आप ऐसे कर्म करो ना जो आपको सर पर बिठाए हर कोई, कर्म भी तो ऐसे नहीं किए। और ताजमहल का भी ये ड्रामा इन्होंने रच रखा है, और ताजमहल भी ये एक सनकी बादशाह की सनक का ही नतीजा है, और आवारागर्दी तो इनकी भी मशहूर है। इनके किस्से अगर सुनाने शुरू करेंगे ना कि क्या क्या कर चुके हैं ये, तो आप पर हम आरिफ सर बहुत सीनियर हैं, अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे उनके सामने ऐसी बयानबाजी करना, शर्म आती है इनकी, मतलब हिस्ट्री पढ़कर भी। ये सिर्फ औरत को प्यार नहीं, सेक्स करने की मशीन समझते हैं हर एक औरत को, वो चाहे वो बादशाह था, वो जो आप और हम इतने साल पुरानी बात बता रहे, या हम आज की भी बात करें ना मुस्लिमों की, तो सेम टू सेम उस बादशाह से रिलेट कर लीजिए आज के मुस्लिम को भी। एक चीज और देखिए मनु, मैं बोलूंगा, लोग बोलते हैं कि शाहजहां की वाइफ बड़ी टैलेंटेड थी, ये थी, राजकाज में बहुत हेल्प करती थी। अब सिंपल लॉजिक देखिए, जो 14 बच्चे पैदा कर रही हो तो वो तो जिंदगी भर प्रेगनेंसी में ही, मतलब उसकी पूरी लाइफ गुजर गई। 14 साल तो उन्होंने अपने प्रेगनेंसी में ही तो चलिए पूरी वो हमेशा ही प्रेग्नेंट रही, तो वो फिर कोर्ट के काम यानी दरबार के काम क्या करती होगी, आराम करती होगी कि वो ये सब काम करती होगी, वो तो काम कर, मैंने बोला भी काम करने में तो भी आपने कदर कहाँ करी, सिर्फ बच्चे पैदा कराते रहे आप 14 साल तक उनसे। पूरा पूरा बिहेवियर अगर आप देखिए तो वो सेक्स स्लेव से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है, जिसको कि पूरी लाइफ उसने प्रेगनेंसी में रखी। माइंड सबका वही है दी, वो इनका माइंड सबका वही का वही है। आरिफ साहब मैं आप पे आती हूँ, आपने मिश्रा जी की भी बात सुनी, शबनम खान की भी बात सुनी, यहाँ पे मैं दो चीजें आपसे जरूर जानना चाहूंगी। एक पहला तो कि भारत में ये किस तरह का सेकुलरिज्म है, या तो ये एक मुखौटा पहने हुआ सेकुलरिज्म है जो हमेशा ही एक पक्ष विक्टिम कार्ड खेलता रहता है, दूसरा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपसे जानना चाहूंगी, 1400 साल के इस्लाम में कोई आप एक साल भी ऐसा गिनवा सकते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शांति रही हो? मनु जी, आपके दो सवालों पे आने से पहले थोड़ा मैं इस खूबसूरत ताजमहल पे भी बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बात दरअसल आप भी गिरफ्त में आ गए हैं, आप भी ताजमहल की खूबसूरती की गिरफ्त में आ ही गए हैं। मैं गिरफ्त में आ रहे हैं, मुमताज महल की गिरफ्त में नहीं आए। खूबसूरत इन सेंस ये कहूंगा कि इसमें लाखों हिंदुस्तानियों का खून दफन है, लेकिन मैं यहाँ पे शबनम जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये शाहजहां ने अपनी मोहब्बत में बनाया था। ये मुगल बादशाह थे ना, ये अपनी जात से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और ये अपनी जात के लिए ही सारे काम करते थे। अपने बाप के खिलाफ भी तलवार उठाते थे जहांगीर जैसे लोग, तो अपने बाप को अंधा करके शाहजहां को बंद भी ये लोग करते थे। अपनी जात के लिए अपने भाइयों के गले काटते थे, ये सब कुछ करते थे, ये अपनी जात से बहुत मोहब्बत करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने लाहौर में शालामार गार्डन बनाया, शाही मस्जिद बनाई, इसका काम ही यही था, और ये उस दौर में बनाया। 1630 में अंग्रेज रिपोर्टर लिखते हैं कि 1630 में इंडिया में जबरदस्त किस्म का कहत आया था, दक्कन फेमिन बहुत मशहूर था, लाखों हिंदुस्तानी भूख से मर रहे थे, और ये सारी दौलत लुटा रहा था ताजमहल बनाने में। 1632 तक तो हिंदुस्तान में लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमिन। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज जो मुसलमान फखर करता है ना, अगर वो सही तारीख पढ़ लेना तो वो शर्म से डूब जाए। तो ताजमहल कोई फखर या चीज नहीं है, ताजमहल लाखों हिंदुस्तानियों की कब्र है। और खूबसूरती की आप बात करेंगे तो हजारों साल पुराने इंडिया के मंदिरों में जाके देखें, अकल हैरान रह जाती है कि हजारों साल पहले जब टेक्निक्स नहीं थी तब इन्होंने ये बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी जो चीजें बनाई हैं वो कैसे बना ली। ताजमहल तो फिर आज 400-500 साल पुरानी बात है।
काफी डिस्कशन हो गई ताजमहल पे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं आपके सवालात की तरफ। देखिए आपका जो सवाल है कि पहला सवाल क्या था, दूसरा तो याद है। पहला सवाल तो यही था कि ये जो सेकुलरिज्म है भारत में, ये मुखौटा पहने हुए है। भारत का जो सेक्युलरिज्म है ना, वो सिक्युलरिज्म है। भारत में देयर इज नो सेक्युलरिज्म। देखिए मैं इस वक्त लंदन में बैठा हूँ, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। मैं यूनाइटेड नेशंस में 94 से जा रहा हूँ, 27 साल की मेरी स्टडी में मैंने एक चीज सीखी है कि सेक्युलरिज्म अव्वल तो स्टेट का होता है। हमारे यहाँ पूछा जाता है, मन्नू जी आप सेक्युलर हैं? अरे इंडिविजुअल सेक्युलर नहीं होता है, इंडिविजुअल या तो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है या एथेइस्ट होता है। सेक्युलर स्टेट के काम होते हैं। अब जहां तक स्टेट की बात है, तो इस इंग्लैंड में सेक्युलरिज्म है, इसका मतलब यह कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन जब नहीं है तो माइनॉरिटी मेजोरिटी एग्जिस्ट नहीं करते। भारत में स्टेट का भी कोई रिलीजन नहीं और माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है, माइनॉरिटी की अपीजमेंट भी होती है। ये रमजान आई है तो सारी मस्जिदों में चावल की बोरियां दी जा रही हैं। हज आती है तो आप सब्सिडी देते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता हज इंडिया से हो रहा है। आप हज हाउस बना रहे हैं 100-100 करोड़ रुपए का हर शहर में। भाई काय की माइनॉरिटी जब स्टेट का, या तो स्टेट हो हिंदू राष्ट्र, के हिंदू रिलीजन स्टेट रिलीजन है तो माइनॉरिटीज होती, बाकी सारे रिलीजन, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो फिर वहां पे हिंदू सिख क्रिश्चियन पारसी ये सब माइनॉरिटीज हैं। इंग्लैंड अमेरिका यूरोप में सेक्युलरिज्म ट्रू फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं, यहाँ पे किसी को हज सब्सिडी नहीं दी जाती, यहाँ पे किसी को रमजान में चावल की बोरी नहीं दी जाती। मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दी जाती है टैक्स पेयर्स के, अगर इधर यूरोप में तो चर्च के पादरी को भी दी जाती है, तो गुरुद्वारे को भी दी जाती है, मंदिर को भी दी जाती है, इक्वलिटी है। भारत में क्या है, मंदिर से तो पैसा लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मस्जिदों को वजीफे दिए जा रहे हैं, टैक्स पेयर जो 90% से ज्यादा हिंदू है उनके पैसे पे मुसलमानों पर खर्च किया जा रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पे। अरे सेक्युलरिज्म क्या होता है, जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन हो, स्टेट का रिलीजन नहीं, देयर इज नो सेक्युलरिज्म। तो भारत में बदकिस्मती से 1947 में जो हुकूमत आई ना भारत आजाद सरकार की, वो अपीजमेंट की सरकार थी। जबकि 1947 के सिनारियों में आप जाएं तो आपने भारत के टुकड़े करके मुसलमान देश बना दिए ईस्ट और वेस्ट में, तो सारे मुसलमानों को भेजो उधर, चाहे कोई इधर रखा हुआ है। जब आपने दो देश मुसलमानों के लिए अलग से बना दिए, अब आपने रखा है इनको, तो अपनी एजुकेशन पॉलिसी उनके हवाले कर दी, अपना सारा कुछ इनके हवाले कर दिया। आप बजाय इसके कि उनको मेन स्ट्रीम भारतीय पॉलिटिक्स में लाए, आप उनको वही मुगल बना दिया कि हम तो रूलिंग क्लास है, हम तो पैदा ही बोर्न टू रूल। तो ये खन्नास जब जहन में आ जाता है ना, तो फिर आप इस कौम का कसूर कम है, उन सरकारों का कसूर ज्यादा है जिन्होंने इस स्पेशल सेक्युलरिज्म, मतलब मुझे याद नहीं कि गांधी जी ने कहा था कि नेहरू जी ने कहा था कि इस देश के तमाम रिसोर्सेस पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ओ भाई काय को, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, सारे इंडियंस का बराबर हक है। लेकिन ये चीज मुसलमानों के जहनों में शुरू से डाली गई, तो ये बड़ा स्पेशल किस्म का सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म या तो लाओ ट्रू फॉर्म में, जहां पे कोई माइनॉरिटी कमीशन नहीं, जहां पे कोई अपीजमेंट नहीं, सब बराबर, या फिर आप हिंदू राष्ट्र बना दें और फिर तो इनको माइनॉरिटी राइट्स दें। अब आ जाते हैं 1400 साल। तो भाई साहब हमारे खादिम हुसैन रिजवी, जो कि मैं इसको खादिम गालवी कहता हूँ, गालियां बहुत ज्यादा निकालता था, जनवरी में मरा है अभी जी। उसकी अभी एक वीडियो मैंने शेयर की थी 2-3 दिन पहले ट्विटर पे। वो कहता है कि वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का मजहब है, उन्होंने इस्लाम को कमजोर किया, इसलिए कि इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता, इस्लाम तो फैला ही तलवार के जोर पे। उसने कहा कि नबी पाक ने जब 40 साल की उम्र में मक्का में नबूवत का ऐलान किया, तो पहले 13 साल वो मक्का में रहे तो 100 मुसलमान हुए थे खाली 13 साल में, 100 मुसलमान।
उसने कहा कि जब वो मदीना हिजरत कर गए तो दूसरे साल से जिहाद शुरू हुआ, लाखों मुसलमान हो गए, इसलिए कि तलवार के जोर पे हुआ। उसने कहा इस्लाम फैला ही तलवार के जोर पे है। इस्लाम का लफ्जी मतलब होता है सलामती, लेकिन लिटरली जो इस्लाम इस्लामी खिलाफत हैं वो सिर्फ तलवार पे फैली है। भारत में कहा जाता है कि सूफीज्म, सूफियों ने इस्लाम फैलाया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सूफियों ने इस्लाम का एक ड्रामा रचाया। भाई सबसे बड़े सूफी इस भारत में अजमेर नगरी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। उन्होंने राणा महाराणा प्रताप सिंह या किसको गिरफ्तार करवाया था गौरी के हाथों, तो जिहाद का हुक्म दिया है पृथ्वीराज चौहान जी, और निजामुद्दीन औलिया ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, इन सब ने मुख्तलिफ मौकों पे अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया है। तो भाई साहब जिहाद और इसके बगैर इस्लाम नहीं फैला। आपने कहा 1400 साल में कोई साल ऐसा आया कि अमन का साल हो, तो मैं समझता हूं कि जब तक इस्लाम करंट फॉर्म में है 1400 साल से, तब तक तो इसमें कोई आप अमन की उम्मीद छोड़ दें। आपको इस्लाम में रिफॉर्म्स लानी होंगी। रिफॉर्म्स इन ए सेंस क्या कि आपने देखा कि जो मैसेज इस्लाम में है वही मैसेज क्रिश्चियनिटी में भी है, क्योंकि ये कट पेस्ट वाला सिलसिला है। तौरात से कट पेस्ट करके बाइबल बनी, बाइबल से कट पेस्ट करके कुरान बनाए। क्रिश्चियनिटी भी कहती है कम टूवर्ड्स गॉड, कम टूवर्ड्स सल्वेशन, कम टूवर्ड्स गॉड सन, और क्रिश्चियनिटी भी क्रूसेड को बड़ा अहमियत देता है। लेकिन आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले यूरोप ने स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया। आज क्रिश्चियनिटी रह गई है चर्च तक। आप चर्च की सर्विसेज में जाते हैं, गॉड के सामने सर झुका के थोड़ी देर पादरी का लेक्चर सुन के आते हैं, बाहर आके अपनी जिंदगी खुशहाल मंगल गुजारते हैं। ये रिफॉर्म्स लानी होंगी कि इस्लाम शबनम साहिबा का इंडिविजुअल मसला है, मिश्रा साहब का धर्म उनका अपना मसला है। धर्म शुड बी एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक्ट। मेरा हक नहीं है कि मैं मिश्रा जी पे या मन्नू जी पे या शबनम जी पे अपना इस्लामिक या रिलीजियस थॉट इम्पोज करूं। मैं अगर अपने एक गॉड पे बिलीव करता हूं जो कि अल्लाह है या राम है या शंकर है या जीसस है, वो मेरा मसला है भाई। कल को मैंने मर के अपने क्रिएटर के सामने अगर हिसाब किताब देने जाना है तो वहां पे मन्नू जी नहीं आएंगी मेरी जगह हिसाब देने के लिए, मैं नहीं देना है। तो मैं अपना हिसाब किताब अपने तक रखूं। मेरी नजर में यहां पे मैं जितने मैंने थोड़े बहुत स्टडी किए रिलीजन्स की, उसमें जो गीता का मैसेज है ना, वो आपको और किसी किताब में नहीं मिलता। बाकी सब किताबें मुसलमान का हक मुसलमान पे है ये सिखाती है, इंसान की बात नहीं करता। क्रिश्चियनिटी है वो अपने ब्रदरहुड में रहते हैं, ज्यूज है वो अपने उसमें रहते हैं, सब रिलीजन अपने रिलीजन तक कन्फाइंड है। गीता कहता है कि भाई साहब तुमने जिस भगवान की पूजा करनी है करो, लेकिन अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने क्लाइमेट का, जानवरों का, प्लांट्स का, इनका ख्याल रखो। इस दुनिया में अगर तुम गलत करोगे तो कार्मा रिटर्न होकर तुम्हारे पास वो गलत का वो आएगा। इस्लाम कहता है बाजा बजा दो सबका, तहस नहस कर दो सब कुछ, बस अल्लाह की इबादत करते रहो, तुम जन्नत में जाओगे। बाकी मन्नू जी पूरी जिंदगी इन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, लेकिन चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, इसलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगी। जबकि गीता ये नहीं कहता, गीता आपको पाबंद नहीं करता कि आप फलां भगवान की पूजा करें फलां भगवान की। गीता का मैसेज ह्यूमैनिटी का है और यही मैसेज आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा आरिफ साहब, और बहुत क्लियर कट बता दिया है कि 1400 साल से जो इस्लाम तलवार के जोर पर फैल रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। पूरे दुनिया के लिटरेचर में आप चले जाइए या इतिहास में झांक कर देख लीजिए, कोई भी एक आपको शांति का काल नजर नहीं आता। उसके बावजूद दुनिया भर में ये लोग एक नैरेटिव बना के चलते हैं कि ये शांति का है। नो डाउट, हर धर्म शांति का होता है, बशर्ते वो सही कम्युनिकेट किया जाए।
अब मीडिएटर के थ्रू जो फैलेगा वो तो इसी तरह का सारा तामझाम फैलेगा। मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आरिफ साहब ने अभी कहा कि भारत में हज सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है और दूसरा एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे देश में, सेकुलरिज्म की जब हमने बात की। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या हिंदू समुदाय के लोगों को भी कैलाश यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है जिस तरह से हज के लिए दी जाती रही है और सालों से दी जाती रही है? ये अभी मौजूदा सरकार ने जरूर कुछ रोक लगाई है इस चीज के ऊपर, उसमें भी बड़ा बवाल मचा था। ये भी शायद मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जो है वो इस सरकार के खिलाफ होने का एक रीजन ये भी है। दूसरा ये है कि शिवनम, मैं आपकी तरफ आऊंगी मिश्रा जी से ये जवाब लेने के बाद, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो भारत में होती रहती है, बीजेपी सरकार की इसमें एजेंडे में भी ये शामिल है, लेकिन सीए और एनआरसी पे हमने जो हालात देखे थे तो उस देश में यूसीसी कैसे पॉसिबल है? मिश्रा जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी सब्सिडी पे जो बात की देखिए, गई। जो सब्सिडी की बात है, यहाँ पे जितनी भी सब्सिडी है वो सब पॉलिटिकल उससे वो रही है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं ना, उन्होंने ये सोचा है कि भाई इनको देने की क्या जरूरत है। बात केवल हज की नहीं है, आप हर जगह देखिए, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम टैक्स देते हैं भाई, मान लीजिए हम सैलरीड हैं, तो एक समुदाय हिंदू समुदाय टैक्स दे रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो है फ्री, सारी फ्री की सब्सिडी, जितनी फ्री सर्विसेज है या सस्ती से गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो सब्सिडी ली जाती है वो इन लोगों को, मुसलमानों को मिलती है। देखिए है क्या, मैं एक घटना सुनाता हूँ। एक दिन मैं जोधपुर गया, रात को 1 बजे उतरा, और एक ऑटो मैंने किया, वो अपने भाईजान निकले 10 रुपए के लिए। जब वो मैं पहुंच गया तो 10 रुपए के लिए सुनसान गली में झगड़ा हुआ। उसकी एक लाइन जो मुझे एकदम वो हो गई, शॉक हो गया। झगड़ा करते करते उसने बोला कि आपको पता नहीं 52 देशों में हमारी बादशाहत चलती है। मुझे तो वो रिक्शा वाला फटीचर, रिक्शा वाला न लग के एकाएक बादशाह नजर आया जो कि 52 देशों पे राज कर रहा है, इतना अमीर नजर आने लगा। मैंने आपको बोला जो जन्नती कनेक्शन है ना इनका, और अपने पॉपुलेशन के कारण ये ऐसा प्रेशर बनाते हैं। देखिए, सवाल ये होना चाहिए कि हर जगह ये गुर्बत में क्यों है। सऊदी अरब को भी अमेरिका जब चाहे धमका दे, पूरे गल्फ कंट्री को धमका देता है, जहां पे है ये प्रॉब्लम में है। उसके पीछे ये केवल जन्नती माइंडसेट है। जन्नती माइंडसेट वो सिर्फ ये है कि इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर लो, सीधे जन्नत जाओगे। अब इतना बड़ा इंसेंटिव, जहां एश्योर्ड हो 4 बीवियां तुम रख लो, ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है। तुम्हारे पास कमाने खाने को नहीं है, किसी काफिर को देखो जो तुमसे डिसएग्री करता हो किसी चीज पे, उसके पैसे लूट लो, उसके घर लूट लो, कब्जा कर लो। इतना बड़ा इंसेंटिव आपको किसी प्रोफेशन में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो सवाल केवल हज यात्रा की इंसेंटिव का नहीं है इंडिया में, ये दुनिया में जहां पे भी है लीच की तरह ये अपने इंसेंटिव को लेते रहते हैं। जितने रोहिंग्या आके बसे हुए हैं पूरी दुनिया में, आप जहां रह रही हैं वहां पे भी शेल्टर के लिए लोग गए हैं, यमन वगैरह में लड़ाई चल रही थी, तो वो क्या इंसेंटिव नहीं है क्या? अगर आपको एसाइलम मिला हुआ है तो इंसेंटिव ही तो है ना। टैक्स आप पे करो, काम इनको करना है नहीं। 1400 साल में दीनी पढ़ाई को छोड़ करके, आप कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ और बुक्स पढ़ लीजिए। देखिए सनातन का क्या है, धर्म के साथ साथ डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप हुई। आयुर्वेद, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, भवनों को, मंदिरों को बनाने के लिए आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प का डेवलप हुआ, किस तरह से सोसाइटी में रहना है, नाट्य, नाटक, गायन, वादन, इंटरटेनमेंट के लिए आपको पता है राजत रंगड़ी, हाँ, नाट्यशाला वगैरह, इन सब के लिए इतने ग्रंथ यहाँ पे पड़े हैं, सारे गामा पामा, ये सारी चीजें, कौन सा वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाए, किस वक्त बजाया जाए, सुबह सुर ताल क्या होने चाहिए, शाम को क्या होने चाहिए, हर आपकी जिंदगी के लिए, आपके जिंदगी को अपने पैरों पे आपको खड़ा करने के लिए आपको हुनर भी यहाँ सिखाया गया। वहां केवल एक ही हुनर सिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के नाम पे तुम लूट के खा लो, खसोट के खा लो, फ्री में ले लो। देखिए इस्लाम में भी ये बोला गया है कि फ्री का लेना, बिना मेहनत का लेना, चाहे सरकार दे चाहे आदमी दे। अच्छे मुसलमान का कर्तव्य ये नहीं है, जो मैं सुनता हूँ उसको हराम माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये हराम की कमाई लूटते रहेंगे। कहीं से इमदाद इनको मिल जाए, कहीं से यूनेस्को से डोनेशन मिल जाए, मदरसे में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि फ्री में पढ़ाई वो हो जाए। कितने परसेंट डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में क्या है? पूरी गल्फ का देख लीजिए, गल्फ माइनस पेट्रोल कर दीजिए तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, कोई नई चीज बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है ना कोई, अभी भी करंट सिचुएशन में भी अगर कोई है तो
आप देखिए क्या कंट्रीब्यूशन है, कोई साइंटिफिक खोज नहीं किया, कोई सोशल साइंस से रिलेटेड इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया कि सोसाइटी बेहतर हो। कहीं पे भी कम्युनिटी वर्क जो होता है वो इनको नहीं करना है। जहां ये जाके बसेंगे आप वहां की कम्युनिटी की हालत देख लीजिए। हालत ये होती है मनु मैम, मैं आपको बताऊं कि जहां इनकी बस्ती बस जाती है वहां लोग जाने से डरने लगते हैं। शरीफ मुसलमान भी उन गलियों का रास्ता छोड़ देते हैं कि न जाने क्या हो जाए, कुछ न कुछ गायब हो जाएगा, चाहे आपकी पॉकेट गायब हो जाए और अगर माहौल ज्यादा खराब हुआ तो आपकी गर्दन भी गायब हो जाती है, या तो जेब कट जाएगी या गर्दन कट जाएगी। जकात वहां पे भी देना पड़ आप जाएंगे तो आपको टैक्स वहां पे भी देना पड़ेगा, भाई इस गली से गुजरना है तो आप मुझे टैक्स दीजिए। जो इतनी चर्चा होती है और हर वक्त ये रोते रहते हैं कि भाई हमारी हालत ये है, बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म ऐसे ही नहीं हो रहा है, जुल्म आपने खुद अपने आप को इस एबल नहीं बनाया कि कोई आपके ऊपर जुल्म ना करे। हमेशा आप दूसरों पे जुल्म करते रहे हैं, लड़ते आपस में लड़ते रहते हैं दूसरों की बात छोड़। पाकिस्तान देखिए, यमन देखिए, जितने देश है, इवन आप इराक वगैरह देखिए, ये ईरान और सऊदी अरेबिया में, टर्की और सऊदी अरेबिया में आजकल ठनी पड़ी हुई है, रॉकेट लॉन्चर उसपे मक्का मदीना पे दागे जा रहे हैं। क्यों दागे जा रहे हैं, ये क्लैशेस क्यों है? 1400 साल में आप अपने क्लैशेस को कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप अपने भीतर के क्लैशेस को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी होड़ जन्नत के लिए है। मार देंगे तो भी जन्नत मिलेगी, मर जाएंगे तो भी जन्नत मिलेगी। अरे जो जिंदगी आई है पहले उसको तो जन्नत बना लो। पहले इन्होंने किया क्या? देखिए, इनकी अयाशियों के पीछे, राजाओं के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो राजा होते थे, अमीर होते थे, ताकतवर होते थे, बोले कौन जन्नत का वेट करे, हम जन्नत अपने महल में बना लेंगे। वो हरम बनाते थे, नाच गाने वालों को रखते थे, जिंदगी भर इंजॉय करते थे। तो अब वजीफा पे तुम जियोगे कि कौन जिएगा? जो आदमी हमेशा काम करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, वो ज्यादा मजबूत होगा, और भीख तो तुम मांगोगे ना, तो क्यों रोते हो? और सोच ऐसी कि हम तो जन्मजात बादशाह हैं जी, हम पैदा ही बादशाहत के लिए हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, स्टेट ऑफ माइंड, कि दिमाग से तो आप बादशाह हो लेकिन अपने कर्म से, फिजिकल एक्टिविटी से आप भिखारी से भी बदतर हो, तो आपको क्या होगा? आपको लात ही पड़ेगी ना पूरी दुनिया में। तो ये फैक्ट जो है, जहनी तौर पे ये कहीं और है, प्रैक्टिकल तौर पे ये किसी और दुनिया में है। मिश्रा जी, आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे जो धार्मिक कंसेप्ट एस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। शबनम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, उससे पहले आरिफ साहब आपसे एक मार्क लेना चाहूंगी कि मिश्रा जी ने कहा कि मुस्लिम कौम पढ़ी लिखी नहीं है, इस वजह से दिक्कत में है, लेकिन ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, मसूद अजहर भी, हाफिज सईद, ये सब पढ़े लिखे हैं, शर्जिल इमाम का आप जानते ही हैं, भारत में अभी जब शाहीन बाग हुआ वो IIT पास आउट है, शाह फैजल जो जिसने IAS टॉपर है था बना था इंडिया का, वो जब ये मूवमेंट चली सारी की सारी, डिमोन्स्ट्रेशन हुआ CA पे और इनके खिलाफ, तो रेजिग्नेशन दे के वो अधिकारी पर को छोड़ के और अलगाववादी नेता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा। तो पढ़ा लिखा मुसलमान भी खतरनाक और बिन पढ़ा मुसलमान भी खतरनाक, तो ये कब कब संभलेगी ये सिचुएशन? आरिफ साहब, कैसे स्थिति संभल सकती है? देखें, मैं यहाँ पे मिश्रा जी से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। मिश्रा जी ने कहा कि मुसलमानों ने क्या दिया दुनिया को, कोई साइंटिफिक चीज नहीं दी। अरे मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया, देखें वो दिया जो किसी और मजहब ने, किसी और ग्रुप ऑफ पीपल ने नहीं दिया। हलाला, मैं एग्री कर रहा हूँ आपको, मैं एग्री कर रहा हूँ इस मामले में। वो जन्नती जन्नती कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, अपने महल में जन्नत उन्होंने बसा लिया, हलाला करेंगे वो, मैं मानता हूं इस चीज को, उन्होंने वही दिया है। इस्लाम ने हलाला दिया, चाइल्ड मैरिज मुताह दिया, मुताह दिया जब मन हो, चार शादियों की इजाजत दी, गुलामी दी। दुनिया का वाहिद धर्म है जिसने आज भी डिनाउंस नहीं किया है स्लेवरी को, बाकी सब ने डिनाउंस कर दिया है। तो बड़ा कुछ दिया है मिश्रा जी, ये पूरी दुनिया याद रखेगी इतना कुछ दिया। मन्नू जी, आपने कहा कि एजुकेशन, बात दरअसल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, PhD कर लें, बिगिनिंग कहाँ से होती है? मदरसे से होती है। हर बच्चा जाता कहाँ है? सबसे पहले मदरसे में जाता है। मदरसे में पहला सबक क्या सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो, सिर्फ तुम करेक्ट हो, बाकी सब गलत है। ये क्या लाता है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नंबर दो लाते हैं कि सिर्फ तुम जन्नत में जाओगे,
बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। ये और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाता है। अब आगे का पार्ट क्या है कि तुम्हारा फर्ज है, तुम पे ये फर्ज है कि तुम बाकी सबको मुसलमान बनाओ, उनको जन्नत का रास्ता दिखाओ। जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि जन्नत इज बेसिक, इनकी हर चीज के बीच में मरकज जो है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग है, वो जन्नत है। अब मदरसे में आपको पहला पार्ट पढ़ाया कि तुम सुपीरियर हो, तुम करेक्ट हो, तुम जन्नत में जाओगे। अब आपको कर्तव्य दे दिया, क्या ये आपका कर्तव्य है कि आपने सबको मुसलमान बनाना है, करेक्ट करना है। जन्नत के रास्ते फिर दिखाए जाते हैं। क्या रास्ता दिखाया जाता है? मनु जी को मुसलमान कर लो, जन्नत पक्की। मनु जी मान नहीं रही, गर्दन काट दो, जन्नत पक्की। ये रास्ते दिखाए जाते हैं। इसके बाद आप इंजीनियर बन जाओ, पीएचडी बन जाओ, बेस में तो ये चीज डाल दी गई ना भाई। तो इसलिए आपकी सारी एजुकेशन वहां पे फेल हो जाती है जब आपका बेस खराब है। अगर आप एक 100 मंजिला इमारत बनाते हैं लेकिन इसकी बेस ही खराब हो तो वो इमारत किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एजुकेशन के सिस्टम को करेक्ट करना है। कैसे? बैन मदरसा। मदरसा क्या देता है? एक फ्रांस में वो लड़का पाकिस्तानी जिसने 4 लोगों को टोका मारा, आम आदमियों को सड़क पे, कि चार्ली हेब्दो ने कार्टून बनाए थे नबी पाक की हुरमत पे, 4 आम आदमियों को जिसमें 2 औरतें थी, टोका मार के कत्ल कर दिया। ठीक है, वो बच्चा टीनेजर, उसने फ्रांस में अजाइलम ली थी और अजाइलम के केस में इसने कहा था कि मदरसे का मौलवी मेरा रेप करता था रेगुलरली। और फिर रेप दर रेप के बाद बड़े बच्चे जो मदरसे में मुझसे बड़े थे वो भी मेरा रेप करने लगे। मैं अपने घर वालों को कहता था तो वो इस बात को एग्री नहीं करते थे, तो इसलिए मैं भाग के फ्रांस आ गया हूं। अब आप इस बच्चे का मेंटल स्टेटस पे आए जरा, एजुकेशन की बात है ना। वो बच्चा गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है, खाने को कुछ नहीं है, मदरसे में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है, और इसको जहन में क्या बात डाली जा रही है? जन्नत का नक्शा। वहां पे 72 हूरें होंगी, हूरों की बॉडी डिस्क्रिप्शन इस तरह से बताई जाती है कि आप किसी ब्रदल पे भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं बताई जाती। फिर और क्या होगा? शराब होगी। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि जन्नत के 3 दर्जे हैं, जो कम सवाब करेगा उसको शराब पिलाई जाएगी, जो ज्यादा सवाब कमाएगा उसको हूरें शराब पिलाएंगी, और जो सबसे ज्यादा सवाब कमाएगा उसको अल्लाह खुद शराब पिलाएगा। ये आप किसी पब की पब्लिसिटी कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जन्नत का वो नक्शा, एक गरीब माँ बाप का बच्चा जिसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो कहता है यार कुत्ते जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, चल ना 2-4 इन काफिरों को मार दो, सीधा जन्नत में जाऊंगा, वहां अय्याशी करूंगा। तो आप लाख एजुकेशन लेके ओसामा बिन लादिन की तरह इंजीनियर बन जाएं, बुनियाद में आपकी बात ये डाली गई है कि आपको मुसलमान करना है बाकी पूरी दुनिया को, तो एजुकेशन फेल हो जाती है। मिश्रा जी जी, मिश्रा जी एक 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 लाइन का इस पे छोटा सा वैल्यू एडिशन करूंगा। देखिए टेक्निकली फर्क क्या है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं वहां स्किल सेट बनता है, दूसरी चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट बनती है आपके घर के तरबियत से, मदरसे से, रिलीजन के तरबियत से। तो उनका माइंडसेट जिसका जो बन गया ना, जिसका माइंडसेट जन्नती बन गया, तो पायलट बन करके भी 9/11 करेगा, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को ले जा करके वहां लड़ा देगा। ओसामा बिन लादेन की माइंडसेट जो पहले तो माइंडसेट ही डेवलप होती है बच्चे में, स्किल सेट तो बाद में डेवलप होती है। यही रीजन है कि इनके माइंडसेट जो इन्होंने बोला आरिफ सर ने कि भाई मदरसे में माइंडसेट पहले डेवलप हो जाता है, घर में डेवलप हो जाता है, बाकी स्किल सेट तो आप कुछ भी कर दो वो उसको जिहाद के लिए यूज कर लेंगे, वो उससे तलवार ही बनाएंगे, अब वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये फर्क है, माइंडसेट और स्किल सेट दोनों अलग चीजें होती हैं एजुकेशन में, और दोनों में जब कोरिलेशन नहीं होगा ना, इतने गफलत में क्यों मुसलमान रहते हैं, क्यों ये लोग जिहादी बनते हैं, बेचारे जिंदगी भर हमेशा डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं, क्यों? माइंडसेट कुछ और है जो बना है उनके मौलवी ने मदरसे में, और स्किल सेट कुछ और है।
पंक्चर बनाने वाला भी आदमी, उसका भी माइंडसेट और स्किल सेट अलग है, तो उसके अंदर ड्यूअल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। और जब ड्यूअल पर्सनालिटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है ना, वो बोलते हैं ना दिल कुछ और बोल रहा है और मन कुछ और बोल रहा है, तो वहां पे आपकी लाइफ एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम है, आप दोनों को मैच करिए, आपका माइंडसेट भी हो। देखिए सनातन धर्म में फर्क क्या है, सबसे पहले हमारा माइंडसेट डेवलप किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। भोजन खाने के पहले भोजन मंत्र सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि पेड़ पौधों को भी आप मत काटिए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि आप कितने स्किल सेट को डेवलप करते हैं, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए। बेसिक एजुकेशन क्लास 5th तक जो होती थी, बच्चों को कैसे पाला जाए, माइंडसेट डेवलप करने के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी एकदम अलग है। उसके बाद आप बनिए, आपको जो बनना है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वैरियर बनिए, राजा बनिए, प्रजा बनिए, सेवक बनिए, आप कभी भी खतरनाक नहीं होंगे। तो ये फर्क है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें एक चीज कॉमन निकल के आती है, अगर 72 हूरों की संख्या घटा या बढ़ा दी जाए तो मुझे लगता है कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि वो ख्वाब सिर्फ वो 72 हूरों का हो सकता है, घटा दे तो शायद कम काफिर मरे, ये हो सकता है। शबनम, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, उसी आपने उस पर आती हूँ कि जो हमारा जो मुखौटा पहने हुआ जो सेकुलरिज्म है, जिसमें आरिफ साहब ने बहुत क्लियर कट बताया कि एक्चुअल क्या है, तो CA और NRC पर हम लोगों ने हालात देखे पूरे देश के, किस तरह के थे, किस तरह से सड़कों को जाम कर दिया गया, आम पब्लिक दुखी हुई। इसके साथ ही मैं, और अगर कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो डाउट सरकार कभी ना कभी तो लाएगी, ये अलग बात है, इस वक्त कोरोना की वजह से हमारे देश की हालात थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही माहौल ठीक होगा 1.5 साल बाद सरकार इस पे फिर से वर्कआउट करना शुरू करेगी, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि जब UCC पर बात होगी क्या माहौल बनेगा? और दूसरी एक चीज खास मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे हमने बात की, आरिफ साहब ने भी बताया कि बचपन से ही आप मदरसे में जब जाते हैं आपका एक माइंडसेट फिक्स कर दिया जाता है। आप खुद इस वक्त भारत में बहुत सारे हिंदू परिवारों को जानती होंगी और मुस्लिम परिवारों को भी जानती होंगी, क्या मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकती है हिंदू परिवार का जिसने कभी भी आपको यह कहा कि हमने अपने बच्चे को बचपन से ही गीता पढ़ाई है या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया है, नहीं, या उसके लिए पंडित रखा है पढ़ाने के लिए? जी नहीं, ऐसा तो मैंने कोई एग्जाम्पल देखा नहीं, और उनके परिवारों में कंपलसरी भी नहीं है कि आपको यह पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप हिंदू कहलाएंगे, नहीं है, नहीं सुना भी नहीं, मतलब हिंदुओं से तो मेरी ज्यादा दोस्ती है पर मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन मनु दी, अभी आरिफ सर और मिश्रा भाई बोल रहे थे कि मदरसे में पढ़ के, मदरसा नहीं, ये जितने आप पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े दिमागी कीड़े वाले देख रही है ना, ये कहीं मदरसे में नहीं पढ़कर आए, मुझे लगता है ये जन्नत की 72 71 कर लो या 10 कर दो, ये वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये सारा जाल जो बुन रखा है, जो शुरू से ये बता रखा है, वी आर सर्वोपरि, हम हैं बस, हम लीड करेंगे बाकी सब हमारे गुलाम रहेंगे। ये जो अभी आप और हम बादशाहों की, ताजमहल पर मैं फिर थोड़ा सा अगर वापस भी लौटूं, जो हम बादशाहों को देखते थे जिन्होंने हमें सिखाया कि बादशाह तो चलता था वहां से जहां कुछ दिखता भी नहीं था कि किस कमरे से निकलेगा, ये यहाँ शुरू हो जाते थे, हुजूर 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 आ रहे हैं, हुजूर हुजूर आ रहे हैं, ये इन्होंने मुसलमानों के दिमाग में गंदगी भर रखी है कि औरत को आपको हमेशा सिर्फ यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। देखिए धर्म बुरा नहीं है दी, धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म सब अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिक्षा अगर मैं दे रही हूं तो मैं आपको अच्छी चीज सिखाऊंगी, दी बड़ों का रेस्पेक्ट करिएगा। अब जो शिक्षा देने वाले, वो जो चार खलीफा मैंने आपको बताए थे ना पिछली बार, ये जो चार थे जो लड़ गए कि भाई मेरे हाथ में ये, मैं हेड रहूं इसका, धर्म को मैं संभालूं और मुझे लीडर कहें इसका, हर एक ने अपनी विचारधारा छोड़ी। अब जो जो सॉफ्ट हार्टेड थे वो सॉफ्ट हार्टेड की तरफ चले गए, लेकिन जो कट्टरवादी थे उन्होंने उस विचारधारा को ज्यादा फैलाया कि देखिए हिंदुओं को मारना ज्यादा अच्छा है, अगर आप मारोगे तो 72 मिले या 76 मिले या एक भी ना मिले, लेकिन यहाँ पर मतलब दुनियावी माल भी मिलेगा आपको। ये 72 हूर ऊपर ही जाने के लिए नहीं मिलती है, ये 72 हूर हो सकता है यही जीवित रहते हुए उसे देते हो, और उसकी रिस्पेक्ट क्या होती है जो मिलती है यहाँ धरती पे, जो हूरें मिलती हैं। मुसलमान पुरुष तो औरत का इतना लालची है
कि आप उसे वैसे भी कुछ लालच दे देंगे ना तो वो आपका कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इनके दिमाग में ना दी, आरिफ सर अग्री करेंगे कि इनके दिमाग में शुरू से ही 5-7 बातें बिल्कुल गूढ़ के भर दी जाती हैं। आप औरतों का शोषण करिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाइए, किसी की नहीं सुननी, मैं सही हूं, दूसरा कभी सही नहीं होगा, न था न होगा, और हम जो कह दे वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। और हम जो मुल्लाओं का इस्लाम है, जो मुल्लाओं ने हमें सिखाया है, वो बस एक ही बात सच है, बाकी हिंदू अपना कुछ भी बताते रहे कि देखो मंदिर वास्तु का भी जिक्र कर रहे थे, मंदिर जी देख के आप मतलब सीना चौड़ा होता है, गर्व होता है देख के कि यार क्या बनाया है। मतलब वो जो हाथ जुड़ते हैं धर्म के लिए वो तो अलग ही है, और कलाकृति देख के तो एक अलग ही तरीके का आपको रौब आता है कि अरे हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर। तो ये जो हमारे देश के नेता है ना दी, ये सारा प्रपंच जो 90% इनका भी रचा हुआ है। ताजमहल को इन्होंने क्यों उछाल उछाल के बताया, आप बताइए कि आठवां अजूबा है, आठवां अजूबा है। साउथ के मंदिर देखे ना, गर्दन जब ऐसा करते हैं, वोट बैंक को खुश रखना था ना शबनम, इसलिए ताजमहल को बनाया। सर भी प्राउड से ऊंचा हो जाता है मंदिर देखकर, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वालों का वोट भी लेना है। जी इनको सबसे ज्यादा वो जो जन्नत में नकली जाने वाले हैं ना, जिनको नकली जन्नत चाहिए, जिनकी ये बड़ी बड़ी सी है, ये सब उसमें उलझा के रखना चाहते हैं। एक भी नेता को आपने अभी कोई मेरा हिंदू भाई अगर सच भी बोल रहा हो, कुछ अच्छी बात कह रहा हो, तो मुसलमानों को आप कहते हैं कि लड़ जाते हैं, तो ये लड़ना किसने सिखाया है जी? आज जामा मस्जिद के क्षेत्र में आप जा नहीं सकती हैं, इतना टेरर है इनका। आज आप ओखला में पुलिस भी जाने से घबराती है, इतना टेरर है इनका। नहीं, इंक्लूडिंग लंदन, आप लंदन की बात करिए ना, वहां पे भी इन्होंने ऐसे जोन बना लिए हैं कि वहां पे भी पुलिस भारत की नहीं बात जाती है। कर रही हूँ आपको, जहां सेकुलरिज्म है, जहां आपको प्यार से गले लगा के रखते हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको। लंदन में ये अभी भी इंसिडेंट हुआ ना आरिफ साहब, वो जो मौलवी साहब चाकू नहीं, दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पे। हाँ वो कहते हैं ना नहारी खा खा के इनके अंदर गरमाई आई हुई है, नहारी खा खा के गरमाई आई हुई है, नहारी खा खा के ये डंब हुए हुए हैं। इनके इनके दिमाग अगर आप खोलना चाहेंगी ना, अगर आप इन्हें कोई अच्छी राह दिखाना चाहेंगी, जैसे अभी आरिफ सर बता रहे हैं, मेरे बड़े भाई मिश्रा जी बता रहे हैं, तो ये वो नहीं सुनेंगे, इनका कान ही नहीं आपकी तरफ इनका कान ही नहीं होगा, मेरा यकीन मानिए आप। मैं ये जो अपना आप अगला लोग सवाल लूं, चारों बात कर रहे हैं वो नहीं सुनेंगे ये। अभी अभी हमारे चारों के खिलाफ एक बैठा हुआ कोई होता ना, तो हम चारों को ये दरकिनार करके वो गलत बात की तरफ जल्दी जा रहे होते कि हाँ ये सही है, बस मैं सही हूं, मेरा धर्म सही है, मनु को भी गाली बकनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े करिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने भरा? ये मुल्लाओं का इस्लाम है सारा, ये सारा प्रपंच ही उन्हीं का रचा हुआ है। आज मुसलमानों को सही दिशा दिखाने की जरूरत है, जो आप और हम रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन रिफॉर्म लाने के लिए हमारे जैसे तो कईयों को गर्दन कटवानी पड़ेंगी दी, कहाँ मानेंगे ये? इनको कोई सही दिशा नहीं दिखा सकता जल्दी से। लेकिन ये जो आप आरिफ भाई और मिश्रा जी, ये मेरे बड़े भाई, ये सब आप पर हम छोटा काम नहीं कर रहे हैं दी, इसको आप छोटा काम मत समझिएगा। ये चर्चा करना भी, ये आरिफ सर से पूछिए जरा, ये चर्चा करना भी समझिए, हमारे यहाँ तलवार ही रखी हुई है। तलवार नहीं रखी हुई है। अभी मैं अपने सवालात लेने वाली कि थी उस, हमारे जैसे चंद लोग कम से कम चर्चा कर रहे हैं, और आरिफ भाई और मैं उसे अपोज कर रहे हैं, जो हमारे धर्म में अगर कोई कमी है तो। हमारी इस चर्चा के लिए हमें कभी अभी क्राउन मिला है, मैं आप सबसे जरूर साझा करना चाहूंगी, इतना बढ़िया क्राउन मिला है, दो दो क्राउन दिए हैं उन्होंने, मैं जरूर शेयर करूंगी। ये प्रिंस शर्मा जी हैं, ये कहते हैं कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास, दूसरा क्राउन उन्होंने दिया है, फालतू की बात कर रहे हैं आप लोग। चलिए ये प्रिंस जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना शानदार क्राउन दिया हम लोगों को, हम इसका वेलकम करते हैं। आरिफ साहब मैं आपसे एक सवाल लूंगी, जो बांग्लादेश में अभी हमारे सरकार तनवीर अहमद भाई देख रहे हैं, उन्होंने लिखा इन बांग्लादेश वी हैव सीन रिसेंट डेज दैट बाय द नेम ऑफ इस्लाम दे हैव यूज द चाइल्ड ऑफ 6 और 7 एज इन फ्रंट ऑफ द पोलिटिकल ग्राउंड, दिस इज नॉट इस्लाम दैट एक्चुअली दे आर डूइंग, बट आवर गवर्नमेंट ऑलरेडी सोल्व द इशू विद अरेस्टिंग द बैड रिलीजियस लीडर्स हु आर डाइवर्टिंग द पीपल माइंड सेट, दिस इज नॉट इस्लाम दैट दे थिंक।
जी आरिफ साहब, जी एग्री सरकार साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए बांग्लादेश है ना, वो पहले 25 साल पाकिस्तान के मुल्लाओं के मिलिट्री के कब्जे में रहा, और यहाँ से जो भारत से जो मुस्लिम एलिट जिन्होंने भारत का बंटवारा करवाया, वो जो हिजरत करके गए, वो ब्यूरोक्रेसी पे छाए हुए थे। पाकिस्तान में मिलिट्री की पावर थी, ये दोनों ने मिलके ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान पे रूल किया। बांग्लादेश आजादी के बाद भी ISI के कंट्रोल में बहुत रहा। जब खालिदा जिया की गवर्नमेंट होती थी, जब इनके हस्बैंड पहले मार्शल लोग लेके आए थे खालिदा जिया के, जनरल जिया, उस वक्त हम पाकिस्तान में ये कहते थे कि हमारी ही हुकूमत है। आजाद होने के बाद भी बांग्लादेश में हमारी ही हुकूमत है। ये पहली बार हुआ है जब हसीना वाजिद जी ने गवर्नमेंट ली तो बांग्लादेश में रेडिकल चेंजेस आई। 2010 से 2011 में वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बने, और उसमें जमात इस्लामी के लोगों को और कुछ लोगों को कटहरे में लाया गया और फांसियां भी दी गई। ये पाकिस्तान या किसी और इस्लामिक देश में इसका तस्वुर भी नहीं है। बांग्लादेश ने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की। दूसरा जो बांग्लादेश में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है वो ये है कि बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर कंट्री है। बांग्लादेश इज नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑल दो है तो वही साउथ एशियन मुस्लिम्स जो भारत में 15-17% है, तो वो भारत में खिलाफत लाने की बात कर रहे हैं, शरीयत लेने की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में तो फिर ये 90% है। फिर भी भारत बांग्लादेश की सरकार का, खास तौर पे ये अवामी लीग का शेख हसीना वाजिद साहिबा का बड़ा काम है कि इन्होंने इसको सेक्युलर देश कायम रखा है। दो, वहां पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बहुत राइज पे है, और वहां पे भी वो गंदा खेल खेला जा रहा है जो कि भारत में अक्सर और बेशतर खेला जाता है, जो कि पाकिस्तान में तो रेगुलरली खेला जाता है, वो खेल बांग्लादेश में जारी और सारी है। इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार कोशिश कर रही है, और आई अप्रिशिएट कि ये इन्होंने बांग्लादेश का एक आइडेंटिफिकेशन जो है एज ए सेक्युलर कंट्री उसको कायम रखा है। होपफुली दे विल ओवरकम दिस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। एक मॉडल है फ्रांस, फ्रांस का मॉडल है जिसको कि भारत को बांग्लादेश को अपनाना चाहिए। फ्रांस ने बड़े रेडिकल चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के जरिए, और अपना लेजिस्लेशन को करेक्ट करेक्ट किया है। ये एक मॉडल है जो भारत को भी अपनाना होगा, जिसमें मस्जिदों को कन्फाइन किया है ओनली नमाज के लिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं। इवन इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपका बटवा गुम हो जाए तो आप, या कोई चीज गुम हो जाए तो आप मस्जिद में ऐलान नहीं कर सकते। मस्जिद इज ओनली फॉर नमाज। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि भारत में नमाज खत्म हुई, हाँ जी बरेली से तबलीगी जमात आई है, वो अब 2 घंटे खिताब करेगी, वो 2 घंटे जहर वहां पे उगलेंगे। कोई नरसिंह आनंद जी के खिलाफ फतवा देना है तो मस्जिद के बाहर घेरा लगा हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहा है। मस्जिदों की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता इन चीजों की। तो फ्रांस ने मस्जिद को कन्फाइन कर दिया है कि ओनली फॉर नमाज, मदरसा बैन। ये सारी चीजें हैं नेशनल इंटरेस्ट को प्रिवेल करने के लिए फ्रांस ने ये काम किए हैं। भारत बांग्लादेश को भी यही करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने आरिफ साहब। शबनम, आपके लिए भी एक सवाल है। अनिल शुक्ला जी ने आपसे पूछा है कि शबनम जी, आधी आबादी महिलाओं की है समाज में, फिर ये सब इतनी मजबूर क्यों है? क्या आपने उतना स्ट्रांग होने की है उसको? ये मैं उन उनसे पूछ रही हूँ, शुक्ला जी से नहीं पूछ रही हूँ। आधी आबादी की सिर्फ वोट बैंक के लिए बात करते हैं दी, वोट चाहिए होती है तब बताते हैं कि आधी आबादी, और आप देखिए जब वोट चाहिए होती है तो मुस्लिमों से भी कहते हैं बताइए हम आपके लिए क्या करें, बताइए हम आपके लिए क्या करें, लेकिन उसके बाद उन्हें उबारने की तरफ कोई नहीं लेके जाता है। एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो बाद में ये कहने गया और बताइए आपको क्या तकलीफ है, हम उससे उबारेंगे, या कोई कमी है खामी है हम उसे दूर करेंगे। और धर्म तो दी सेकेंडरी है, पहले तो मेरा देश है ना, पहले हम सबको मिलके देश के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा कि हमारा देश है उसके लिए पहले खड़ा होना है। धर्म के लिए तो बाद में लड़ लिया जाएगा अगर कोई ऐसी ही आफत आ गई। वैसे तो मुस्लिम धर्म पर कभी कोई आफत ना आई है ना आएगी,
और वैसे वो आने भी नहीं देंगे, आपको पता ही है किस तरह से वो लड़ जाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है ना कहीं ये इतनी ज्यादा हावी है कि मुस्लिम औरत हो या आदमी, या हिंदू भाई हो या हिंदू बहने, यहाँ पर कुछ चलने नहीं देते हैं। आपको हमें बांट किसने रखा है आप बताइए? क्या क्या एक हिंदू बहन अगर 9 महीने बच्चा पेट में रखती है तो मुसलमान क्या 11 महीने रखती है? वो भी 9 ही महीने रखती है, उसको भी सेम प्रोसीजर है, बेबी कैसे पैदा होगा? तो जब आप में हम में यही सब कोई अलग नहीं है, तो ये नेताओं ने हमें अलग अलग बांट के ना, और मुसलमानों को भी जो कट्टरवादी था कि आरिफ सर बताइएगा, ये जो इतने कट्टर आप और हम देखते हैं ना, जो मुस्लिम कट्टर देखते हैं आप, ये भी नेताओं की देन है दी, जो पनपने देते हैं इनको, पनपने भी देते हैं, पनपाते भी हैं कुछ, क्योंकि अगर आप और मैं, मनु और मैं यूं दिख गए इनको, तो इनके तो पेट में दर्द हो जाएगी उसी दिन। बिल्कुल, आप और हम चारों अगर एक ही थाली में रोटी खाने लगेंगे और प्रेम प्यार से रहने लगेंगे, तो इनके तो पेट में दर्द हो जाएगी दी। एक्चुअली वो शबनम और मनु भी देखते हैं ना, शबनम वो देखते हैं कि ये हिंदू है, हिंदू जाट पंजाबी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला चैप्टर भी नहीं है, ये जाट भी है, ये पंजाबी है, और मुसलमान में भी ये राजपूत है, ये वो है, मतलब इतना ज्यादा हमें बांट देते हैं कि मुसलमान औरतों की तो आप बात कर रही है ना दी, मुसलमान औरतें बिचारी क्या किस किस बात के लिए कहेंगी, क्या बात करते हैं आप? आप ये मेट्रो सिटीज को मत देखिए, आप ये मेट्रो सिटीज की 2-4 मुस्लिम औरतों को मत देखिए दी, अभी आप गांवों की तरफ चलिए, अभी आप देखिए उसी परिवार में जेठ भी शोषण करता है, उसी परिवार में ससुर भी शोषण करता है, बहू को बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है, वो थाने में कंप्लेन नहीं करा सकती है अपनी, ये सच्चाई है। मैं काम करती हूँ जमीन पर, पूछिए, मैं गांव गांव घूमती हूँ, मैं पूछती हूँ, मतलब हमसे भी बताने के लिए हमें 100 मशक्कत करनी पड़ती है पूछने के लिए एक बात उनसे, ये है। और कुछ पॉलिटिक्स में तो फंसा ही रखा है हम लोगों को, और औरतों के बारे में भी सिर्फ बात ही शुरू हुई है अभी मुस्लिम औरतों के बारे में, कि चलिए शुक्र है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक तेरा बड़ा बड़ा करम, कम से कम मुसलमान औरतों का नाम तो लेता है अब कोई, वरना ये शोषण वोषण होके और 25 बच्चे पैदा करके और पांव की जूती बना के चूल्हा चौका करा के नाम भी नहीं लेता था कोई, एक धन्यवाद का कभी पति ने या ससुर ने या किसी और देवर ने धन्यवाद भी नहीं कहा किसी अपनी बहन बेटी भाभी या चाची मामी को, यही सच्चाई है। आज ये जो चर्चाएं चलती है ना, ये चर्चा बहुत कीमती है। वो भाई क्या कह रहे हैं, वो हमें कौन सा क्राउन दे रहे हैं, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी आप सच की चिंगारी लेके चलेंगे, आपको गाली भी खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको अपना खून बहाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और मशाल लेके निकलना ही पड़ेगा आपको। ये आज की छोटी चर्चा आरिफ सर, बड़े भाई मिश्रा जी, ये आज की छोटी छोटी चर्चाएं कल बड़ी चिंगारी बनके उन बहनों को इंसाफ दिलाएंगी, आप देखिएगा, शायद हमें कोई याद करे ना करे, लेकिन एक एक कंट्रीब्यूशन हमारा था, हम इसी पे प्राउड करा करेंगे, नहीं इतना सा ही सही, 2 शब्द ही सही, कहे तो थे अच्छे के लिए, सीधी राह पे लाने के लिए, धर्म से बड़ा देश बताया तो था कि देश के लिए चलिए, देश के कानून को फॉलो करिए, देश है तो धर्म है, धर्म है तो देश नहीं है, देश होगा तो धर्म होगा। बिल्कुल सही कहा, ये सोच फैलानी पड़ेगी ना दी, ये धीरे धीरे फैलेगी। आज मनु दी ने हाथ पकड़ रखा है, आरिफ सर है, बड़े भाई है मिश्रा जी, तो ये सब आप और हम करते चलेंगे, करते चलेंगे, डरेंगे नहीं किसी से भी, और हमारे देश को देखिएगा शान से। और वो मुस्लिम बहनें जो आप कह रही हैं प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं है, बदलेंगी, वो भी बदल भी रही है थोड़ा थोड़ा, और कोशिश करेंगे और बदलेंगे, खान मैम हमारे सामने इस चीज का एग्जाम्पल है, और वो बदलाव होना भी चाहिए, नॉट ओनली एक समाज में, सारी मुस्लिम सारी दुनिया की महिलाओं को इस चीज पे उठाना चाहिए, क्योंकि जब वो 50% है तो 50% का हक भी रख चाहिए उसको। आरिफ साहब और मिश्रा जी, आप दोनों के लिए जिन्होंने अभी हमें क्राउन दिया, उन्होंने एक सवाल किया है, वो जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। वो कहते हैं देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की गंदी राजनीति नहीं, देश को चाहिए अच्छे स्कूल अस्पताल रोजगार और जनता की सरकार, जो मोदी सरकार देने में पूरी तरह विफल रही है। तो अभी हमारे भैया डिस्कशन को वो सुन तो रहे हैं, तो चलो उन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया जी, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं।
यही तो बता रहे शर्मा है, थे, प्रिंस तो समझ नहीं आया जी प्रिंस शर्मा है, इन्होंने शायद प्रिंस शर्मा ही थे या कौन थे, हमने जब जी फेसबुक पे डाला था तब भी इन्होंने लिखा था। मैं जी बोलता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं इनको मैं कुछ फैक्ट देता हूँ प्रिंस शर्मा को। भारत में इनसे पूछिए जरा कितने गांव हैं, 6.5 लाख गांव हैं। हम तो मार्केटिंग के आदमी है, हमारे फिंगर टिप्स पे रहते हैं। भारत में 6.5 लाख गांव है, 7,000 टाउन है, लगभग 530 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, 29-30 स्टेट्स है। आपको पता है भारत में मस्जिदें कितनी है जो रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट के, कितनी मस्जिदें हैं प्रिंस शर्मा जरा देख के बताइएगा। जितने वो गूगल गांव है करके उतनी आपको मस्जिदें मिल हैं, जाएगी सुनिए, जितने गांव है उतनी मस्जिदें हैं, 6.5 लाख जो गवर्नमेंत की निगाहों में है, और जो गवर्नमेंत की निगाहों में नहीं है वो तो छोड़ दीजिए, वो गली कूचे चौराहे पे बने हुए हैं। तो जरा पूछिए ना सोसाइटी से, सारे सोसाइटी से पूछिए कि भाई तुम चौराहे पे जगह खाली रहती है तुम वहां मजार क्यों बना लेते हो, उसकी जगह एक प्याऊ लगा दो ना, एक डिस्पेंसरी बना दो, एक किसी डॉक्टर को बैठा दो जो फ्री में दे, और फिर पूछते हो सरकार से, खुद कुछ मत करो। मैं सारे सरकारों की मैं बात बोलता हूँ, पिछले आजादी से लेके अभी तक की मैं बात करता हूँ, ये सरकार ने कुछ करने की कोशिश की है, मूलभूत चेंजेस लाने की कोशिश की है। एक एम्स होता था दिल्ली में, अभी कितने जगह एम्स खुल रहे हैं, ऑल ऑफ सडन सारी चीजें नहीं होती है। मनु शर्मा आप जाइए ढूंढ लीजिए, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, 6.5 लाख गांव वाले देश में 6.5 लाख मस्जिदें क्यों मौजूद है, 6.5 लाख हॉस्पिटल क्यों नहीं मौजूद है, प्राइमरी स्कूल कितने हैं इस देश में आपको पता है मैम, मनु मैम, 6.5 लाख गांव में हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, 2.5 या 3 लाख प्राइमरी स्कूल है, बहुत कम है, हाफ से भी ज्यादा कम रेशियो है। पूछिए जरा मनु शर्मा से, बताइए ना 70 सालों में क्या 6.5 लाख प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना सकती थी यहाँ की सरकारें। किसी बस्ती ने प्राइमरी स्कूल मांगा, जकात मांगे जाते हैं तो मस्जिद के लिए, आपके जो है किसी कब्र के लिए जकात मांगे जाएंगे, इमदाद मांगे जाएंगे, कोई जाएगा हजरत या वहां पे उमरा पे या वहां पे तो शेखों से पैसा लेगा, तो वो इसलिए लेगा कि हमें मस्जिद बनानी है, कोई इसलिए नहीं बोलेगा शेखों से कि भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए इमदाद दे दीजिए, एक छोटी सी हम हॉस्पिटल बनवा दे। तो अगर है हमारे से प्रिंस वो शर्मा के पास कोई जवाब तो लिख के भेजेंगे। गूगल करते होंगे, वो जरूर देंगे, लिख के भेजेंगे। आरिफ साहब, आपसे भी इसी कंसर्न में पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने सवाल किया, अब यूरोप हमने देखा दुनिया में हेल्थ के पर नंबर वन में था, अब भारत की बात आती है तो ये लगा जाते हैं। राम मंदिर जब से बनने लगा है, आपने कितने डिबेट्स में, आप खुद भी गए होंगे, आपने कितनी बार सुना होगा कि हर कोई ये कहता है कि राम मंदिर बनने की बजाय वहां पे एक अस्पताल क्यों नहीं बना दिया जाए। देखें मसला ये है कि कितनी मस्जिदों को अस्पताल कन्वर्ट किया गया। जब ये सवाल करते हैं ना तो पहले ये अपने गिरेबान में जाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये हिंदुओं का देश है, और जो भी यहाँ पे जितने भी मंदिर बनते हैं वो प्राइवेट डोनेशंस पे बनते हैं, सरकार मस्जिदें तो बनाती है मंदिर नहीं बनाती। और अभी राम मंदिर भी जो बन रहा है वो प्राइवेट डोनेशंस पे बन रहा है, आम हिंदू उसमें चैरिटी करके पैसा दे रहा है तो उस पे मंदिर बन रहा है, और हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। सरकार का काम हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये चीज होनी चाहिए, और यही कर रही है भारत की सरकार। इनको ये जो मस्जिदों पे मदरसों पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रोक देनी चाहिए। तो मैं पार्शियली इनके इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि मंदिर पे तो सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होता, टैक्स पेयर्स का कोई पैसा खर्च नहीं होता, तो ये जो बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो इनका खर्चा हो रहा है ना वो रोक देना चाहिए, और वो पैसा लगाना चाहिए हॉस्पिटल्स पे और स्कूल्स बनाने पे। आरिफ साहब, आपके लिए दो सवाल आए हैं। चंदन सिंह सेगर जी हैं, ये कहते हैं, अच्छा नहीं, ये मैंने आपको गलत सवाल दे दिया। उनका सवाल है, आरिफ साहब आपकी एक बात काबिले तारीफ है कि ईसाई धर्म यहूदी का कट पेस्ट है और इस्लाम ईसाई धर्म का कट पेस्ट है। इसके साथ इन्होंने जो अगला सवाल किया है आपसे, ये आसमानी किताबों का मोह जब तक बचपन से जहन में डाला जाएगा तब तक यह धर्म की जंजीर इंसान की जहनियत पर तारी रहेगी। जी आरिफ साहब, जी बिल्कुल, इन्होंने तो एक सवाल तो नहीं है ये, उन्होंने नहीं कमेंट किया नहीं है। कमेंट किया है इसके साथ अस्मा जी ने। एक्चुअली जो हम अभी मदरसों की इसकी बात कर रहे थे, तो अस्मा जी कहती हैं, असम से पूछती हैं, वी शुड बी यूनाइटेड, शुड वर्क ऑन एजुकेशन, मेक ए मॉडर्न वे विद ट्रू
ट्रू इस्लामिक रूल। जी आरिफ साहब जी, वी शुड वर्क, वी शुड बी यूनाइटेड एंड शुड वर्क ऑन एजुकेशन मेक ए मॉडर्न वे विद ट्रू नेशनलिस्ट रूल्स। ये मैं एग्री करता हूँ। इस्लामिक रूल्स क्यों भाई, 90% जिस मुल्क की आबादी नॉन मुस्लिम है वहां पे इस्लामिक रूल्स खाए के लिए, वही आपके जहन में भी खन्नास भरा हुआ है, रूलिंग क्लास, इस्लामिक रूल्स क्यों भाई। मैं शुरू से एक बात पे एग्रीड हूं कि इस्लाम, हिंदुइज्म, रिलीजन शुड बी इंडिविजुअल पर्सनल थिंग। दूसरों पे आप इस्लामिक रूल्स डालने की बात कर रही है क्यों भाई, कोई रूल्स नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू ना सिख ना वो, नेशनलिस्टों भारत फर्स्ट, और एक यूनाइटेड नेशन बनाए अपनी, भारत की एक कौम, यूनाइटेड कौम बनाए जो नेशनलिस्ट हो भारत के लिए, बाकी धर्म को इंडिविजुअल उस पर कर दें। इस्लामिक रूल्स आप क्यों लाना चाह रही है भाई, क्या है इस्लामिक रूल्स में? मसला ये है कि इस्लामिक रूल है कि चोर के हाथ काट दो, इस्लामिक रूल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के ऊपर पत्थर मार के संसार किया जाएगा, ये चाहती है ये रूल्स आज के दौर में, छोड़े ना यार। आरिफ साहब चलिए, ये तो लिए, मेरा एक दो अहम सवाल हैं जो मेरे आखिरी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि अभी हाल ही में हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए, अपने रिटायरमेंट भाषण में उन्होंने कहा कि राम मंदिर मसले पर मैं शाहरुख खान की मध्यस्थता चाहता था, और इस पर जब चर्चा हुई, बातचीत आगे बढ़ी, तो शाहरुख खान की तरफ से ये फीडबैक आया था कि जब राम मंदिर बने तो उसकी नींव मुस्लिम डाले, और जब मस्जिद बने तो उसके उसकी नींव हिंदू डाले। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से नैरेटिव तो दूसरा निकल कर आया, अगर इस तरह का माहौल बनता तो आपको लगता है कि भारत में इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता? मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों से मामला सेटल नहीं होंगे। जो गल्फ है ना बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, जो कि बहुत बढ़ती जा रही है, और उसको कवर करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम लीडर्स के ऊपर है, लेकिन मुस्लिम लीडर अवैसी जैसे कम्युनल लीडर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो कोशिश करते हैं कि और ये गल्फ बढ़े और ये नफरत बढ़े। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, इन छोटी छोटी चीजों से, पत्थर रखने से कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले तो तमाम मुसलमान बोर्ड्स को, कम्युनल लीडर्स को आगे बढ़ के खुले दिल से कहना चाहिए कि वी वेलकम राम मंदिर। वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी जुल्म हुआ, बाबरी मस्जिद जिंदा रहेगी, ये होगा वो होगा, ये सब चीजें, पत्थर रखने से ऐसा कुछ नहीं होगा। शाहरुख खान साहब का मसला ये है कि वो इसको भी फिल्म इंडस्ट्री समझते हैं, हर चीज फिल्म नहीं होती भाई, रियलिटी में आए। बहुत कुछ करने के लिए है मुसलमानों के लिए, और मुस्लिम सेलिब्रिटीज का बड़ा रोल है इसमें, उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम सेलिब्रिटी का रोल भी बड़ा गंदा है, और मुस्लिम कम्युनल लीडर्स का भी रोल बड़ा गंदा है। अरे साहब, इसी पे मैं अगला सवाल लूंगी कि आपने देखा होगा कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब भी पाकिस्तान जाते हैं, जब भी वो गए और जब वो वापस आते हैं, जब उनके यहाँ मास लेवल पे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो वो एक नैरेटिव फिक्स करते हैं कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार है, हम मार्केट में गए, हमें फ्री में तोहफे दिए गए, हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ा, या इस तरह का। लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज के इस तरह के इंटरव्यूज, वो भारत से कमा कर गए हैं या फिल्में करके कमा के गए हैं, लेकिन वहां जाके उनके जहन में वही आया था जो कश्मीर हमारा है, तो आप इन दोनों के नैरेटिव को किस तरह से लेते हैं? देखें, भारत से पाकिस्तान में कोई बड़ा सेलिब्रिटी तो जाता नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में सुहरा भास्कर जैसे 2% के सेलिब्रिटी जाते हैं, उनको वहां पे जाहिर है, फिर उनकी जो छोटी मोटी, वो वहां पे पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने की कोशिश करते हैं। कल सुहरा भास्कर ने ट्वीट किए कि करंट सिचुएशन पे भारत में जो कोविड की सूरत हाल है उस पे पाकिस्तानियों ने इतनी हमदर्दी की बात की, पाकिस्तानियों के दिल हमारे लिए रो रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये वो। भाई साहब, सुहरा भास्कर साहिबा ने कभी ऐसी ट्वीट आपने उनकी देखी हो जब पाकिस्तान से आतंकवादियों का लश्कर आता है तो उसके खिलाफ उन्होंने कभी बात की हो? ये
आज भी उस दौर में रह रही हैं जब मुगलिया दौर था, जब गोरियों का दौर था, जब वो गुलामी की जिंदगी थी, या आज भी उस दौर में रह रही हैं। तो पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान जाने वाले सेलिब्रिटी 2% के सेलिब्रिटी जाते हैं, बाकी कभी आपको अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, बड़े स्टार माधुरी दीक्षित, ये सब थोड़ी जाते हैं पाकिस्तान। इनकी मार्केट ही इतनी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास ऑलरेडी अपनी मार्केट है। ये वो अदाकार जाते हैं पाकिस्तान जिनको कोई भाव नहीं पूछता। ये हो गया इधर से जाने वालों का। अब उधर से जो आने वाले हैं, शोएब अख्तर हुए, राहत फतेह अली खान हुए, आतिफ असलम हुए, इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये भारत सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, दिल में वही होता है कि ये हिंदू हैं, ये हमारी बराबरी के इनके औकात नहीं है, हम इन पे रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। माल कमा के जाते हैं, वहां जाके पाकिस्तान आर्मी के गाने गा रहे होते हैं, तो फर्क है। आरिफ साहब, आपसे एक सवाल लूंगी, उससे पहले मिश्रा जी आपके लिए एक सवाल आया है, वही प्रिंस साहब लिखते हैं, मिश्रा जी को मेरा जवाब सुना जरूर सुनाइए। मैं गांव में रहता हूँ, हमारे यहाँ सब ठीक है, एक गांव 10-10 मंदिर है, बगल के गांव एक मस्जिद है, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं साहब, पहले आप इन सब बातों से बाहर आइए। मिश्रा जी जवाब दीजिए, अपनी मानसिक हालत दिखा दीजिए थोड़ा सा। मिश्रा जी आपकी वीडियो रुक गई है शायद। चलिए मिश्रा जी जुड़ते हैं। आरिफ साहब हाँ, आपके लिए नहीं मैं जी, बता रहा हूँ, मुझे कंप्लीट जी जी देखिए, इन्होंने जो बोला भारत के एक एक गांव में 10-10 मंदिर है, भारत के एक एक गांव में नहीं, भारत के एक एक घर में मंदिर है, हर हिंदू के घर में मंदिर है, पहली चीज जी। जरा बताइए, बहुत कम टाइम हुआ है, 10-10 मंदिर बने हैं लाखों साल का टाइम लेके, आप तो यहाँ रक्त बीज की तरह अभी 100 साल पहले आए और हर गांव में मस्जिद हो गई, आप डाटा देखिए ना। अरे मैं तो सिंपल चीज बादशाहों से मैं विनती कर रहा हूँ, और प्रिंस साहब भी मुझे वो बादशाही कौम के लगते हैं भाई। कभी ये भी पूछ लो कि ये कुकुरमुत्ते की तरह जो मजारे उगाती हैं, कभी वहां पे आप एक डॉक्टर को बैठा के एक कमरे का हॉस्पिटल बनवा दीजिए ना, तो शायद आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ना होती। तो प्रिंस साहब, आप उन लोगों का मानसिक इलाज करवा लीजिए, उस हालत से बाहर उनको निकालिए, हमें सलामत दीजिए। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि जहां खाली जगह पड़ी वहीं एक चादर चढ़ा करके हमने झंडा लगा करके वो कर दिया, उसकी जगह ध्यान ये दीजिए कि आप मुझे बताइए कितनी इनको, मैं और बताता हूँ, पूरे 52 मुस्लिम देश हैं जितने हैं, अकेले इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटी हैं जितने पूरे 52 मुस्लिम देश में नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और इनकी मैं बात करूँ मिस्र वगैरह सब आप ले लीजिए, उससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ है। अच्छा, आप पाकिस्तान की, यहाँ इंडिया की बात करिए, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, एक AMU हुआ, AMU के लिए भी जो सर सैयद अहमद खान ने जब किया तो उनको बड़ी धमकियां मिली, उनको बाहर कर दिया गया। एक दो आप देखेंगी जामिया मिलिया है, पता नहीं सरकारी है कि किसी मुस्लिम जो है समाज सेवक ने बनाया, हमदर्द वगैरह है, 3-4 हाथों पे गिनके हैं। यही तो दिक्कत है, आपको सवाल जिनसे पूछना चाहिए आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है, ये प्रिंस साहब का आप असली देखेंगे ना तो ये फेक जो है अकाउंट बना होगा, वो प्रिंस के पीछे जो है कोई और ही बैठा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा उसका भी स्वागत है, कोई बात नहीं मिश्रा जी, प्रिंस के पीछे नहीं, कोई स्वागत स्वागत देखिए, हम पहचानते हैं, हम पहचानते हैं ये कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिस दिन प्रिंस साहब जैसे लोग या कोई मुसलमान अपने सोसाइटी से ये पूछना शुरू कर देगा कि भाई तुमने कुरान में, मैंने सुना है पहले ये बोला गया है कि इंसान की मदद के लिए आप काम करो, कुएं खुदवाओ, ये करो वो करो, सारे धर्मों में यही बोला गया है ना, ये सब कुछ नहीं होगा जी। स्कूल कहीं नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल इनके नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाइए लंदन में कहीं, अरे गल्फ कंट्री में इलाज करने के लिए वहां की जो सारी व्यवस्था है, भारत से डॉक्टर जाते हैं या बाहर जाते हैं, एक जो है नॉर्मल चोट लग जाए, ब्लेड से कट लग जाए तो उसको टांके नहीं लगा पाते हैं। ये दुनिया के बादशाहों की बात बता रहा हूँ, जो इल्मी लोग हैं जिनको आसमानी इल्म है, सिंपल सिंपल जो चीजें होती हैं ट्रीट, पूरे पाकिस्तान में मैं अब बताऊं, अब कहीं पे किडनी को जो है रिप्लेस ट्रांसप्लांट करने की फैसिलिटी अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है पाकिस्तान में, गल्फ में भी शायद नहीं है, आरिफ साहब ज्यादा जानते होंगे, आप पूछिए उनसे वहां पे, उसके लिए वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सारे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज आपके यहाँ पे आते हैं,
जो मंदिर वाले हैं, भारत में जिन्होंने मंदिर बनाया। हाँ, जी और एक चीज और इनको बना दूं, जो ये बोल रहे हैं ना कि हर गांव में 10 मंदिर है, इनको पता नहीं होगा, आप इतिहास उठाकर पढ़िएगा, पता नहीं आप मदरसे में पढ़े या कहाँ है। टेम्पल्स वर द सेंटर फॉर द इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन। जीरो की खोज हुई, उसको खोज करने वाला भी टेम्पल से जुड़ा था। सुश्रुत, जिसको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, उनकी पूरी वेशभूषा साधुओं की थी, सनातनियों की थी, वो टेम्पल से रिलेटेड थे। टेम्पल केवल पूजा करने के लिए नहीं बनाए गए थे, टेम्पल वर द सेंटर फॉर एजुकेशन, टेम्पल वर्द। आज भी किसी टेम्पल से कभी अजान नहीं लगती है कि किसी को मारो। आपने देखा किसी टेम्पल के लाउडस्पीकर से कभी प्रार्थना में, या ऐसे प्लान बनाया गया हो कि जी हमें अटैक करना है, मारो उनको, ऐसी प्रीचिंग होती है कहीं? हर टेम्पल में, मेरे गली में एक टेम्पल है, उस टेम्पल में भी एक होम्योपैथी का डॉक्टर बैठा रहता है और फ्री में दवाई देता है। बहुत छोटा टेम्पल है, और ऐसे न जाने कितने टेम्पल है। जितने बड़े टेम्पल है, हर टेम्पल के साथ आपको एक हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, टेम्पल और गुरुद्वारों के साथ आपको एसोसिएटेड मिलेगा। कितने मजारों के साथ मिलेगा, जरा गिन के बताइएगा साहब, प्रिंस साहब, जरा गिन के बताइएगा कितने मजारों के साथ है। मस्जिदें भी मैंने बहुत देखी है, मस्जिदों के अगल बगल आपको मिलेगा नल्ला निहारी की दुकानें मिलेंगी, गोश्त की दुकानें आपको मिल जाएंगी, हाँ ये सब मिलेगा, बहुत कम मस्जिदों में। यही तो सुधार करने की जरूरत है। आप इन बादशाहों से पूछिए कि भाई आप कब हॉस्पिटल बनवाओगे, आरिफ आप साहब स्कूल कब आपके बनवाओगे। जी आरिफ साहब आपके लिए दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आरिफ साहब, एक सवाल, क्यों अरबी लोगों से ज्यादा कट्टर नव मुस्लिम पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देश हैं? उसके साथ ही वो आपसे एक और सवाल करते हैं कि गैर मुस्लिम धर्म के पवित्र सतलोज, चाहे पारसी, ईरान के अग्नि मंदिर हो, या यूरोप के चर्च, या भारत अफगानी पाक के मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनाना खिलाफत काल से ही हुआ, लेकिन पढ़े लिखे मुस्लिम लोग 1400 वर्ष तक ऐसे गलत काम पर विरोध क्यों नहीं किया? क्या खुदा दूसरे के ऊपर कब्जा इस्लाम की सच्चाई सच्चाई है शुरू से आज तक? जी आरिफ साहब, देखिए, इस पे खुल के बहस हो चुकी है कि ये सब एजुकेशन सिस्टम है जिसको जी कि करेक्ट करने की जरूरत है। मुसलमानों को उस बुनियादी जो तालीम दी जाती है उससे बाहर निकालना होगा, और ये जरूरी है। बाकी पता है, प्रिंस, इस्लाम में कब्जे की जगह पे, नाजायज जगह पे, चोरी की जगह पे मस्जिद बना के उस पे इबादत करना हराम करार दिया गया है। ये क्लियर अल्फाज में है, और मैं चैलेंज करता हूं जितने मौलवी हैं कि उसको झुटला दें। तो बाबरी मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ता था, या आज ज्ञानी वही ज्ञानवापी मस्जिद जो है काशी विश्वनाथ की जगह, वहां पे जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज हराम करार दी गई है। तो ये जहन्नम का रास्ता अपना रहे हैं, जो कब्जे की जगह पे या मंदिर की जगह पे जो मस्जिदें बनी है उसमें जो इबादत कर रहे हैं वो हराम कारी कर रहे हैं। आरिफ साहब आखिरी सवाल लूंगी। व्यूवर्स के सवाल बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान से और लाहौर से जुड़ा हुआ है, मैं जानना चाह रही थी कि, और सभी व्यूवर्स भी जानना चाह रहे थे कि लाहौर भगवान राम के बेटे लव के नाम पर बसा है लाहौर, लेकिन आज वो वहां पे, क्या आपने कभी पाकिस्तान में या लाहौर में इस तरह की चीज सुनी कि उसकी सच्चाई क्या है? देखें, लाहौर हुआ, कराची हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये पूरी सरजमीन भगवानों की सरजमीन थी। दुनिया में चार पुराने तरीन जो मंदिर है ना, उसमें से एक मंदिर श्री हनुमान पंच मंदिर कराची में है, और जिस इलाके में है, जमशेद टाउन में, वहां का मैं मेयर भी रह चुका हूँ, और मैं उस मंदिर में होली भी मना चुका हूँ, दिवाली भी मना चुका हूँ, नवरात्रि भी मना चुका हूँ। अब गिनती के मंदिर रह गए, हजारों मंदिर तबाह कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, मदरसे बना दिए, उनकी जगह मस्जिदें बना दी, उनको दुकानों में कन्वर्ट कर दिया। चिन्यौट में एक मंदिर है जो कि आज भी उसकी बिल्डिंग में देवांगड़ी जबान में सब लिखा हुआ है, लेकिन जंग अखबार का दफ्तर है वहां पे। तो पाकिस्तान में ये खाली लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान मंदिरों की और भगवानों की सरजमीन थी, जिसको के कन्वर्ट कर दिया गया है मस्जिदों में, मदरसों में और दूसरी चीजों में। तो मैं समझता हूँ कि खाली लाहौर की बात नहीं है। और हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे दादा के घर जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, हम
ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे दादा के घर के सामने एक पीपल का दरख्त था और उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। और रोज शाम को हिंदू औरतें आती थी साड़ी पहन के, थाली हाथ में लेके, पूजा पाठ होती थी। हम भी वहां पे घुस जाते थे प्रसाद खाने के लिए, कभी बर्फी का टुकड़ा मिल जाता था, कभी क्या होता था। बाद में जब मैं कुछ सालों के बाद जब मैं बड़ा हो गया, हम अलग रहने लगे, फिर पाकिस्तान से बाहर गया मैं। जब पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद मैं वापस पाकिस्तान किया तो मैंने देखा कि दादा के घर किया आपने, तो वहां सामने मंदिर नहीं था, तो ऐसे गली गली में मंदिर हुआ करते थे, वो सब गायब हो गए और मंदिरों में जाने वाले भी गायब कर दिए गए, ज्यादातर तो कन्वर्ट कर दिए गए या मार दिए गए या उनको भगा दिया, कोई हिंदुस्तान चला गया, कोई यूरोप आ गया, कोई अमेरिका आ गया। तो हिंदू हिंदुइज्म, हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाइप्ड ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रिंस साहब आपको जवाब मिल गया होगा कि आपने यहाँ मंदिरों पे बात की, और आपने एक बात जरूर कही कि एक मुस्लिम भाई आए, एक कोरोना से परेशान महिला थी उसको उसकी जिंदगी बचाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। सबको एक दूसरे का, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का कंसेप्ट है ही नहीं, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ये मुद्दा आपके लिए शायद अहमियत ना रखता हो, लेकिन हम लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। मिश्रा जी, मैं आखिरी लेना चाहूंगी, आरिफ साहब आपके लिए भी है ये, आप भी देखिए इस पे। अनिकेत राज हैं, ये कहते हैं बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि शाह बानो केस मुसलमानों की आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। देवबंद कट्टरपंथ की ओर इशारा करता है और कुछ प्रतिशत बच्चे उसको आंखों से लगाकर पूजने को बाध्य किए जाते हैं। जी, शाह बानो केस तो आरिफ साहब आपको पता ही है। नहीं पता। अच्छा, मिश्रा जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, अनिकेत ने जो ये बोला है, आरिफ सर आप भी इसको सुन लीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, साहबानो बहुत वृद्ध हो गई थी, एकदम बुढ़ापे में उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया। और ये राजीव गांधी सरकार के टाइम की बात है वो। जी हाँ हाँ, वो गई सुप्रीम कोर्ट, ये बोली कि भाई बुढ़ापे में मेरा गुजर बसर कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया कि ये वाजिब नहीं है तलाक, और इनको जो है खर्चा पानी दिया जाए। अब तुष्टीकरण इतना था कि सरकार कहीं हमारी चली न जाए, मुसलमान नाराज न हो जाए, एक बिल ला करके नया नियम, नया कानून बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और ये बोल दिया गया, एक नियम बन गया, कानून बन गया कि हाँ जी ये तलाक वाजिब है। तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन था। माइलस्टोन ये था कि उस वक्त इसमें बहुत चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया था, धर्म को आप छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाते, मतलब मैं इसको बोलूंगा कि यस रियली इट वाज अ जस्टिस, जो कि आप देखिए हमेशा ये होती है कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए हम जिसके लिए जाते हैं, वहां पे ये हुआ। लेकिन क्राउड तंत्र जो होता है, भीड़ तंत्र के कारण सरकार प्रेशर में आ गई, तो ये नियम वहां पे बदल दिया गया। केवल देखिए मैं यही बोलता हूं, आप सारी चीजों को छोड़िए, अभी एक सवाल उठ रहा था कि भाई कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, इसके शाहरुख खान को मध्यस्थता, ये मध्यस्थता वगैरह कुछ नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इंसानियत, राष्ट्र, ये सब चीजें पाले होंगी। आप किसी भी कौम के हैं, अगर फैक्ट फाइंडिंग होती है उसके बेसिस पे जजमेंट होना चाहिए। मध्यस्थता करते करते राम मंदिर का तो 500 साल बीत गया ना, और 500 साल आप और मध्यस्थता कर लेते, सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि मध्यस्थता में जो दूसरा पक्ष है वो बड़ा चालाक है साहब, उसको पता है कि चीजों को लिंगर ऑन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जहां बिगड़ेल टाइप के लोग रहते हैं वो मध्यस्थता से काम नहीं चलता है। क्लियर कट आपको डिसीजन लेना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सोल्यूशंस नहीं निकलेगा, वो लिंगर ऑन होती जाएंगी प्रॉब्लम। चलिए आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं, और अपने गेस्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला, इतनी बेहतरीन चर्चा, और बहुत सारे सवाल आते हैं वो आप बाद में जब वक्त लगेगा आप देखिएगा। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना बेहतरीन तरीके से ताजमहल को जिस तरह से एक्सप्लेन किया, और आरिफ साहब आपने भी उस चीज को माना कि जो सच है उस पर बात होनी चाहिए, बात ताजमहल की या किसी और चीज की नहीं है। लोग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, रखना चाहिए, सोचते रहें, लेकिन कुछ लोगों को आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि हकीकत क्या है, उस पर बातचीत हो, आने वाली पीढ़ियों को कम से कम पता लगे कि किस चीज का क्या हकीकत में इतिहास था, और एक आवरण ओढ़ाकर उसको क्या हकीकत का दिखाया गया लोगों के सामने। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा खत्म करते हैं, और हम सब तो खैर काफिर हैं ही, आरिफ साहब आप भी खुद को काफिर ही मानते हैं,
जाने किसको उड़े नसीब होंगे हम लोगों को पहुंचाने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया वर्ल्ड 360 विद मनु में आप सबका। थैंक यू, थैंक यू। तो वर्ल्ड 360 में ये थे हमारे सभी मेहमान, आरिफ साहब हमसे यूके से जुड़े थे, जो आप सब जानते हैं वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और जमशेदपुर कराची में एक जगह थी, वहां के मेयर भी रह चुके हैं और फ्रेंच सिटीजन भी हैं, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत इसी के साथ की थी कि अभी हाल ही में लाहौर में जो कुछ हुआ उन सबके ऊपर बात की थी। लेकिन आज का हमारा जो सब्जेक्ट था वो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट था कि ताजमहल प्यार या हवस की निशानी। और एक एक सब्जेक्ट से हमारे कितने सारे एक्चुअली एक से बढ़ अलग अलग मुद्दे जुड़ते जाते हैं, लेकिन कनेक्शन वही होता है कि सच कहीं भी हो, भारत में सच छिपाया गया, इतिहास को पलट कर रख दिया गया जो एक्चुअल था। अगर वो इतिहास सही पढ़ाया जाता तो शायद आज हम जैसे लोगों को ये प्रोग्राम्स नहीं करने पड़ते। अब कोई इसको किस नजर से देख रहा है वो उनका देखने की बात है। तो दूसरी तरफ ए के मिश्रा जी हमसे नई दिल्ली से जुड़े थे, वो टीवी पैनलिस्ट हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उनके साथ ही शबनम खान खान मैम जुड़ी थी हमसे, वो उनको थोड़ा सा कुछ काम आ गया था इसलिए वो प्रोग्राम में पहले ही चली गई, तो वो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप सब उनको जानते ही हैं। तो इन सबने हमारे सब्जेक्ट के साथ जितनी बेबाकी से आप लोगों को बताया कि ताजमहल हकीकत में क्या है और उसको किस तरह से उसका महिमा मंडन किया गया, दुनिया भर में उसको प्यार की असीम निशानी के रूप में दिया गया, लेकिन हकीकत में है तो वो एक मकबरा ही जिसमें शाहजहां और मुमताज की को दफनाया गया था। अगर नीचे जाए तो अब खूबसूरत इमारत तो इस तरह से संगमरमर का तो कोई भी बन सकता है, लेकिन शब्दों से किस तरह से खेला गया वो उसको आप देख सकते हैं कि ताजमहल को किस तरह से पूरी दुनिया में प्यार की निशानी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, पर हकीकत में वो प्यार था या क्या था ये सब आप खुद व्यूवर सोचिएगा, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सबने इतिहास के हर रूप को पढ़ा होगा, उसके सही रूप को भी और उसके बनाए हुए रूप को भी। तो चलिए आज वर्ल्ड 360 विद मनु में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत सारे सवाल किए और मैं अपने व्यूवर से माफी चाहूंगी जिनके सवाल हम नहीं ले पाए क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया था पहले ही। और इसके साथ कल का प्रोग्राम आप लोग देखना मत भूलिएगा, कल के वर्ल्ड 360 विद मनु में मिश्रा जी भारत से हमारे साथ जुड़ेंगे और शकील चौधरी जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारा सब्जेक्ट होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है दोनों साइड भारत और पाकिस्तान में, क्या वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ा रहा है। तो उस चर्चा पर आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और उस पर भी आपने इसी तरह से सवालात कीजिएगा। चंदन सिंह शेखर जी आपने लिखा है ताज हवस की निशानी है, सेलेक्टिव नैरेटिव भारत के इतिहास की त्रासदी, बिल्कुल आपने सही कहा, यही आपने एक लाइन में कंप्लीट कर दिया कि भारत के इतिहास की त्रासदी। तो इतिहास की त्रासदी ही नहीं, केवल हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और मुगलिया सल्तनत आई थी तब से भारत नहीं है, ये हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव होना चाहिए कि भारत कब से है, धरती है तब से भारत है, और जब तक उस चीज से शुरू नहीं करेंगे तब तक तो आप हम में से कितने ही जानते होंगे कि आचार्य चरक कौन थे, शुश्रुत कौन थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के बाहर उनके उनका स्टेचू लगा हुआ है कि सर्जरी के जनक, लेकिन क्या भारत में हमारे ये जो युवा पीढ़ी जो अपने आप को सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म का एक आवरण ओढ़े हुए बैठी है, क्या उनको पता है कि सर्जरी सबसे पहले दुनिया में किस इंसान ने की थी और वो कहाँ का था। तो मेरे यूथ को समझने की जरूरत है, आप हर चीज को आप कहते हैं कि अस्पताल नहीं बनाए देश में, ये नहीं बनाए, यूरोप दुनिया में सबसे बेस्ट वन है अपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और जब कोरोना जिस तरह से फैलना शुरू हुआ यूरोप ही है जिसमें सबसे ज्यादा हाहाकार मचा, और ये हमारा भारत देश ही है, हमारे लोग ही हैं जो जब जहां सरकार की खामियां रह जाती हैं हमारी जनता आगे बढ़कर उसको पूरा करती है। तो इसलिए वो जो एक सामूहिक प्रयास है ना, आप उसे सिर्फ एक गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट मत कीजिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार, आज ही मैंने एक पोस्ट डाला है इस चीज के ऊपर कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और जनता सबका सामूहिक उत्तरदायित्व तो है इस कोरोना पेंडेमिक से अपने लोगों को संभालना और बाहर निकालना। दवाई इसकी इजाद नहीं हुई है, जब दवाई ही कोई अभी नहीं हुई है तो आप उस दवाई पे भरोसा ना करके खुद अपने अपने आप से क्यों नहीं शुरू करते, एक छोटी सी से तो शुरुआत है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, 2 गज का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, सिर्फ 3 चीजें, वो 3 चीजें फॉलो करने में भी आपको दिक्कत आती है और आप फिर सरकारों पे सवाल दागते रहते हैं। सरकार पे सवाल दागिए, मैं भी दागती रहती हूँ, मैंने भी बहुत सारे ओपन लेटर अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर गलत होता है मैं उनसे सवालात करती हूँ, लेकिन जहां मेरे सरकार मेरा देश सही होता है मैं वहां पर उसकी तारीफ भी करती हूँ,
तो आपको भी दोनों ही पहलू को एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता को आगे बढ़ना चाहिए। जनता आगे बढ़ेगी, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मानती हूँ हमारे देश में गरीबी है, मानती हूँ हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतने स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं बन पाए हैं, लेकिन शुरुआत प्रयास तो कर रहे हैं ना, कम से कम हमारे लोग इस चीज के लिए जुझारू तो है, हमारी सरकारें कोशिश तो कर रही है, और कोशिश कर रही है तो आगे भी कामयाब हो जाएंगे। ये पेंडेमिक इस तरह का है कि आप खुद को संभालिए, परिवार को संभालिए, समाज खुद ब खुद संभला रहेगा। आप भीड़चाल का हिस्सा बनकर बाहर मत निकलिए कि नहीं ये है, ये त्योहार है, वो है, अरे अगले साल फिर आ जाएंगे। जान है तो जहान है, मैं हम हर बार अपने प्रोग्राम में ये बात जरूर बोलती हूँ, और आज इसी के साथ अपना प्रोग्राम का समाप्त करती हूँ। प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए, पेंडेमिक में खुद का ध्यान रखेंगे आप, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। तो 1360 विद मनु में इतना ही, कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम 8 बजे, आप देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।